ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि यार अभी ना काफी दिनों से मैं ट्रेवर नहीं मिल रहा है, उसका कुछ भी अता पता नहीं है कि आखिरकार वो कहां पर है। अब यार देखो, जब हमने लास्ट टाइम मिलिट्री बेस की सीक्रेट टनल पर अटैक करा था अपना गोल्ड वापस चुराने के लिए, तो वहीं पर ट्रेवर भी खो गया था। और यार उसके बाद जब फ्रैंकलिन और मैं वापस उस जगह को चेक करने गए, तो उस पूरी की पूरी टनल में बहुत खतरनाक वाली आग लगी हुई थी। और अगर ट्रेवर उसके अंदर होगा तो शायद से वो अब तक तो कब का मर गया होगा, क्योंकि अंदर पूरा का पूरा गन पाउडर भरा हुआ था, बहुत सारे वेपन्स थे और टनल के अंदर बहुत ज्यादा डेंजरस आग लगी हुई थी। तो बचने के कोई चांसेस नहीं थे, तो मुझे लग रहा था ट्रेवर शायद से मर गया होगा। लेकिन तभी लेस्टर ने मुझे बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है, क्या पता मिलिट्री वालों ने उसे पहले ही पकड़ लिया हो और उसके बाद ना उससे पूछताछ करने के लिए उसे ह्यूमन लैब ले गए हो। तो लेस्टर की मान के ना मैंने ह्यूमन लैब पर रेड कर दी और पूरी की पूरी ह्यूमन लैब में जितनी सिक्योरिटी थी सबको मारा और जितने साइंटिस्ट थे वो तो सारे के सारे भाग गए। और ह्यूमन लैब जो मैंने पूरी पूरी चेक करी, वहां पर भी ट्रेवर ड्राइवर कोई भी नहीं था भाई, मतलब कोई था ही नहीं। लेकिन यार जैसे ही मैं पूरी की पूरी ह्यूमन लैब चेक करके वहां से निकला, तो भी ना मिलिट्री वालों के नो आर्मर ट्रक भी वहां से निकले और मैं उनका पीछा करते हुए चला गया। और मुझे लग रहा था कि इसी के अंदर ट्रेवर होगा, तो नो के नो ट्रक के आगे मैंने अपनी गाड़ी रोकी और वहां पर ना एक एक ट्रक खोलकर चेक करा कि इसके अंदर ट्रेवर है या फिर नहीं है। लेकिन यार उनके अंदर भी ट्रेवर नहीं था। और उस सीन के बाद भाई पूरी की पूरी पुलिस मिलिट्री हमारे पीछे पड़ गई कि इसने ट्रक रुकवाया कैसे। तो फिर हमें वहां से भागना पड़ा। अभी फिलहाल कुछ देर के लिए यहां पर मैं इस गांव में छुपकर बैठा हूं, यहां पर कोई पुलिस वुलिस उतना आती नहीं है। और फ्रैंकलिन कहां पर रहेगा? चलो यार, फ्रैंकलिन भी पीछे पीछे आ गए, अपना पुशअप्स मार रहा था इतनी देर से। तो यार अभी ना समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। लेस्टर से बात हुई है, लेस्टर कह रहा कि मैं कंफर्म पता कर दूंगा आज की डेट में कि ट्रेवर आखिरकार है कहां पर। तो यार अभी ना मेरे हिसाब से मुझे लॉस एंटोस वापस निकल लेना चाहिए, क्योंकि गाइस यार अभी ना जो मैंने कपड़े पहन रखे तो मुझे पुलिस वाले वैसे भी पहचान नहीं पाएंगे। तो भी जल्दी से वापस मैं चलता हूं लॉस सैंटोस के लिए, क्योंकि गाइस यार आप लोग को याद होगा एक बंदे को लैम्बोर्गिनी उरुस जो मॉडिफाई करी थी वो उसको डिलीवर कर आनी है, और देखते हैं कि उसके बदले इस बार हमें वो कितने पैसे देने वाला है। वैसे मैंने $1 मिलियन की यहां पर डिमांड करी है उससे, बाकी देखते हैं देता है कि नहीं देता। फिलहाल ये पता नहीं किसका स्कूटर मैंने उठा लिया, काफी ज्यादा बढ़िया इसका साउंड लग रहा है, मतलब यार देख रहे हो कितने पुराने टाइम का स्कूटर है और गंदा बहुत हो रखा है। चलो कोई नहीं, जल्दी से मैं इसको लेकर यहां से निकलता हूं। और फिलहाल पिछले 1.5 दिन से हम लोग इसी वाले गांव में रह रहे हैं और कोई भी पुलिस वुलिस यहां पर नहीं आई है। और गाइस यार आप लोग को याद होगा एक गाड़ी थी जो कि हमें लेस्टर ने दी थी, मतलब बुलेट प्रूफ कार जो थी टैंक, तो वो टैंक अभी पीछे वाली नाली में खड़ा हुआ है। एक सेकंड, मेरे को पुलिस वालों की आवाज आई। एक सेकंड अपनी गाड़ी को मैं साइड लगाता हूं। यहां पर यार पुलिस वाले आते जाते रहते हैं लेकिन किसी और के पीछे पड़े हुए हैं इस टाइम, तो उसको जाने देते हैं। और अभी जल्दी से मैं निकल लेता हूं सीधा लॉस सैंटोस के लिए। और अगर इसे स्कूटर में जाऊंगा ना तो मैं अगले साल ही पहुंचने वाला हूं, इसलिए एक काम करते कोई और गाड़ी ले लूंगा मैं आगे से। मतलब यार ये जो स्कूटर आप देख ही पा रहे हो कितना ज्यादा स्लो चल रहा है। फिलहाल सामने की तरफ में ये वाली बाइक नहीं यार, बाइक से भी ना मैं नहीं जाने वाला क्योंकि पुलिस वालों से बहुत खतरा है। इसलिए कोई कार मिलेगी ना बढ़िया सी तो उस कार से ही मैं जाने वाला हूँ। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैं अपने स्कूटर को भगाते भगाते बहुत ज़्यादा आगे लेकर आ चुका हूँ। और गाइस यार अभी ना मेरे को बीच रास्ते में कोई भी ढंग की कार नजर नहीं आई। एक काम करता हूँ, यहाँ पर सामने की तरफ से ये वाली जो गाड़ी आ रही है ना, जल्दी से ये वाली मैं लेकर निकल लेता हूँ। फिलहाल इसको छोड़ो, उसके पीछे और भी ज़्यादा तगड़ी सी कार आ रही है। वैसे यार ये तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी ऑफ रोड व्हीकल है, मतलब यार इसकी जो लुक है बहुत ज़्यादा तगड़ी है। अभी फिलहाल ये देखो कौन चला रहा है इसको, ये तेरी ऐसी की तैसी, इतनी खतरनाक गाड़ी चलाएगा भाई तू, यहाँ पर इसको साइकिल ला के दो भाई। मतलब यार कैसा सा शरीर है और इतनी खतरनाक गाड़ी चला रहा है भाई ये बंदा, बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा। और हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं स्कूटर। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग को बहुत ज़्यादा तगड़ी एक SUV तो नहीं कह सकते, एक ऑफ रोड व्हीकल है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो भी जल्दी से मैं इसको लेकर निकल लेता हूँ सीधा लॉस सैंटोस के लिए। बाकी एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना हाईवे आ चुका है, लेकिन यहाँ इसकी स्पीड भी चेक कर लेता हूँ। वैसे इसकी स्पीड ना मेरे हिसाब से उतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी व्हीकल है, उस साथ के साथ ना ये ऑफ रोड व्हीकल है, कोई रेसिंग व्हीकल नहीं है। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल इस गाड़ी को मैं बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहा था, लेकिन यार इसकी भी जो स्पीड है ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर पर आवर जो है टच कर ही चुकी है। वैसे आप लोग देख ही पा रहे हो एकदम 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो कि गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते पहुंच चुका हूँ सीधा लॉस सैंटोस मेन सिटी में। और गाइस यार अभी ना बिना किसी देरी के मैं जाने वाला हूँ सबसे पहले अपने शोरूम में, क्योंकि गाइस यार जो अपने छोटे मोटे काम है ना वो मैं खत्म कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे उस बंदे को गाड़ी डिलीवर कर आनी है तो जल्दी से उसकी गाड़ी भी डिलीवर कर दूंगा, क्योंकि गाइस यार जो लेस्टर है ना वो ट्रेवर को ढूंढने में लगा हुआ है। और जैसे उसको कुछ ट्रेवर के बारे में पता चलता है तो यार हम लोग सारे के सारे काम छोड़कर सीधा जाने वाले ट्रेवर को बचाने, क्योंकि यार अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेवर है। तो भी जल्दी से एक काम करता हूँ, फ्री टाइम में मैं ये वाला जो डिलीवरी का काम है खत्म कर लेता हूँ। अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर आ चुका हूँ सीधा अपने शोरूम में। और मेरे हिसाब से बैनी ने भी कार को मॉडिफाई कर दिया होगा, वैसे भी उसको कार को मॉडिफाई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो जल्दी से ये वाली जो गाड़ी है ना मैं उसको यहीं पर पार्क कर देता हूँ। वैसे यार चार बंदों के लिए ना ये गाड़ी एकदम परफेक्ट है, मतलब कि यार इस गाड़ी में ना आराम से 8 बंदे बैठ सकते हैं, मतलब कि देखो 6 तो सीट्स ही मिल जाएगी और बाकी 2 लोग
अपने साइड में भी लटक सकते हैं। तो भी जल्दी से चलते हैं सीधा अपने शोरूम के अंदर। तो चलो गाइस सर, अभी ना फिलहाल मैं आ चुका हूँ सीधा अपने शोरूम के अंदर। तो गाइस सर जल्दी से चलता हूँ मैं सीधा बैनी के पास, उससे बात करते हैं कि आखिरकार उसने लैम्बोर्गिनी उरुस मॉडिफाई करी या फिर नहीं करी। और गाइस सर जैसे कि आप लोग इधर देख पा रहे हो काफी सारी गाड़ियां हैं और यहाँ पर बैनी भी कोई गाड़ी मॉडिफाई करने में लगा हुआ और उसके अंदर से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है। पता नहीं बैनी इसके अंदर क्या कर रहा है। बाकी यार ये अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस तो नहीं है, ये शायद से ना बेलर है जो कि रेंज रोवर की कॉपी आती है। और यहाँ पर बाकी आप लोग देख पा रहे हो काफी सारी एसयूवी है क्योंकि इस टाइम पर काफी ज्यादा डिमांड में है। लास्ट टाइम जितनी भी एसयूवी थी ना सारी की सारी बिक गई। लेकिन यार लैम्बोर्गिनी उरुस कहाँ पर है जो बैनी ने मॉडिफाई करी थी? जल्दी से मैं इससे बात करता हूँ और पूछते हैं आखिरकार गाड़ी कहाँ है। तो ओके गाइस सर, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर बैनी से बात हो चुकी है और गाइस सर बैनी ये कह रहा है कि जो लैम्बोर्गिनी उरुस की डील थी वो कैंसिल हो चुकी है उस बंदे से, क्योंकि वो बंदा $1 million देने को राजी नहीं है। तो अभी ना उसी बंदे के लिए हमें एक दूसरी गाड़ी लेकर आनी है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है और थोड़ी बहुत सस्ती भी है। तो उस गाड़ी का नाम है बेंटली बेंटेगा और वो लॉस सैंटोस वगैरह कहीं पर भी नहीं मिलने वाली, बाकी अदर कंट्री में मिल जाती है लेकिन काफी ज्यादा महंगी मिलती है। लेकिन अपनी जो लिबर्टी सिटी है वहां पर वो गाड़ी आराम से सस्ते में मिल जाएगी। अगर हम लोग सेकंड हैंड लेंगे तो बहुत सस्ती मिलेगी, लेकिन यार उस बंदे को हमें एकदम ब्रांड न्यू देकर आनी है इसलिए यार हमें लिबर्टी से भी थोड़ी बहुत महंगी पड़ने वाली है। वैसे यार 1-2 lakh का प्रॉफिट हमें बहुत ज्यादा आराम से होने वाला है। तो यार अभी जल्दी से चलते हैं सीधा लिबर्टी सिटी के लिए। तो चलो गाइस सर, अभी ना फिलहाल मैं आ चुका हूँ सीधा अपने शोरूम से अपनी पार्किंग में। तो अभी ना जल्दी से जो सामने गाड़ी लेकर आए थे ना इसी गाड़ी में बैठता हूँ। और गाइस सर अभी ना मैं जाने वाला हूँ सीधा एयरपोर्ट। और गाइस सर अभी ना मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार अगर मैं लिबर्टी जाता हूँ तो वहां से मैं अपनी गाड़ी कैसे लेकर आऊँ, क्योंकि यार जो बैनी है वो तो मतलब कि यार अपना शिप से मंगवा लेता, वो अपना शिप से आ जाती है। बट यार अगर हम लोग शिप से आएंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और इतना टाइम मेरे पे है नहीं। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो अपना फ्रेंड है ना जिसके पास कार्गो प्लेन है उसी से मैं बात करता हूँ, वो लिबर्टी में उसकी काफी ज्यादा बातचीत है तो वही हमें किसी ना किसी चीज का जुगाड़ करवाएगा। अब बाकी उसका जो प्लेन है आप लोग को याद होगा हम लोग लेकर आए थे, अब मैंने वापस करा था या नहीं करा था मुझे याद नहीं है। अगर वापस करा हुआ तो हमें वही वाला प्लेन मिल जाएगा, अदरवाइज फिर बात करेंगे उससे क्या सीन है। तो भी जल्दी से मैं निकल लेता हूं सीधा एयरपोर्ट के लिए। और गाइस सर बस पुलिस वुलिस ना पीछे पड़ जाए वरना सारा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि लिबर्टी जाने का मेरा अभी बहुत ज्यादा मन है। तो गाइस सर देखो, वैसे तो मैं लिबर्टी सिटी अपना प्राइवेट जेट भी लेकर जा सकता हूं, लेकिन गाइस सर दिक्कत यह है कि आखिरकार उसे वहां से वापस कौन लेकर आएगा। वैसे मेरे साथ फ्रैंकलिन चल रहा है तो दिक्कत की क्या बात है, एक प्लेन मैं उड़ा लूंगा एक प्लेन फ्रैंकलिन उड़ा लेगा। तो भी जल्दी से मैं चलता सीधा एयरपोर्ट के अंदर और अभी जो अपना प्राइवेट जेट है गोल्ड वाला उसी को लेकर हम लोग जाने वाले हैं। और तू आज नहीं गेट खोलेगा ना बेटा, वैसे मैं तेरे को मारने नहीं वाला वरना, क्योंकि अभी मिलिट्री का थोड़ा ज्यादा खतरा है इसलिए मैं किसी से पंगे नहीं लूंगा, आज मैंने उसको छोड़ दिया। अभी जल्दी से चलते हैं सीधा अपने प्राइवेट हैंगर में, वहां से अपना प्राइवेट जेट लेकर निकलेंगे सीधा लिबर्टी सिटी के लिए। तो गाइस यार एक तो ना आज वेदर भी बहुत ज्यादा अजीब सा हो रखा है और ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ज्यादा तेज बारिश होने वाली है। और अगर लिबर्टी सिटी में बारिश होगी ना तो फिर बहुत ज्यादा बेकार सीन हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि वहां पर कितना ज्यादा ट्रैफिक रहता है और अगर रोड पर पानी भर जाता है ना तो फिर तो यार और भी ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो गाइस सर अभी ना जल्दी से चलता हूं मैं सीधा अपने प्राइवेट जेट के अंदर और अभी हम लोग यहां से जाने वाले हैं सीधा लिबर्टी सिटी। बाकी यार यहां पर ये जो एयरलाइन है खाली तो है ना, कहीं पता चले कि कोई ना कोई प्लेन यहां पर आकर उतर जाए। एक बार ही मैं चेक कर लेता हूं, मेरे को लग नहीं रहा कि यहां पर लाइन खाली होगी क्योंकि अभी ना काफी देर से यहां पर कोई प्लेन आया नहीं है। तो वैसे सब कुछ सही है और मेरे को अपने यहां पर ना टेक ऑफ करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। अभी जल्दी से यहां पर मैं अपने जेट को लेकर चलता हूं फर्स्ट वाली एयरलाइन पर और सीधा मैं घासों पर भी चला देता हूँ भाई, यहाँ पर कभी कभार थोड़ा बहुत खतरा रहता है लेकिन यार इतना भी रिस्क नहीं रहता। चलो भाई यहाँ पर अपना जो प्लेन है मतलब जो जेट है एकदम परफेक्ट आ चुका है सीधा रनवे पे। तो भी जल्दी से मैं सीधा से बहुत ज़्यादा तेज स्पीड में भगा के ले जाने वाला हूँ, एकदम एंड टाइम पे उड़ाऊंगा, मतलब मस्त एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए एकदम। ओ भाई मैंने थोड़ा सा जल्दी उड़ा दिया, मतलब एकदम टच होकर निकलता ना तो कितना ज़्यादा बढ़िया रहता। और यार दूर दूर के जो नज़ारे ना वो नज़र नहीं आ रहे और वो वाली जो लाइन है ना गाइस खाली नहीं थी, आपने देखा होगा उस तरफ में भी काफ़ी बड़ा जो मतलब कि फ्लाइट है वो अभी अभी टेक ऑफ करी है। तो भी जल्दी से मैं निकलता हूँ पहले सीधा लिबर्टी सिटी के लिए। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपने प्लेन को लेकर पहुंच चुका हूँ लिबर्टी सिटी। और गाइस आप लोग को लेफ्ट साइड में काफी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ रही होगी और नीचे की तरफ में भी काफी सारे घर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो यही है भाई लिबर्टी सिटी, पूरी की पूरी भरी हुई है बिल्डिंग्स है और यहाँ पर यार बंदे भी बहुत ज्यादा रहते हैं। और सामने की तरफ में हमारा एयरपोर्ट है और यार यहाँ पर ना दो प्लेन ऑलरेडी खड़े हुए हैं जिसमें से ना एक प्लेन मेरे को लग रहा है कि लैंड करने वाला है, मतलब लैंड नहीं यहाँ पर टेक ऑफ करने वाला है। वैसे भी वो टेक ऑफ के लिए रेडी नहीं हुआ है, तो एक काम करता हूँ जल्दी से मैं अपने वाले प्लेन को यहाँ पर लैंड करवा देता हूँ, मुझे ज़्यादा लंबी एयरलाइन नहीं चाहिए होगी। बाकी तो यार यहाँ पर अपना जो ये वाला प्लेन है ना बहुत ज़्यादा स्पीड में आया है, तो क्या परफेक्ट लैंडिंग करवाई है भाई मैंने, अभी इसे उतारा नहीं है लेकिन एक मिनट गया। चलो भाई बहुत ज़्यादा परफेक्ट लैंडिंग करवाई है भाई मैंने पहली बार। और फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं सीधा लिबर्टी सिटी और यहाँ पर भाई काफ़ी बड़े बड़े जेट्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो जल्दी से एक काम करता हूँ अपने प्लेन को ना मैं आगे लेकर चलता हूँ, क्योंकि आगे वाला जो कट है वो तो बंद होगा इसलिए मेरे को यू टर्न लेकर इस तरफ से ही जाना पड़ेगा। और यार इधर अंदर यार एयरपोर्ट में एक गाड़ी भी खड़ी हुई है, तो चलो यार अभी हमें गाड़ी लेने भी कहीं नहीं जाना, जल्दी से वाली मैं गाड़ी लेता हूँ।
और इसको लेकर गाइस यार यहां से मैं निकल लेता हूं फटाफट से। चल भाई फ्रैंकलिन आ गए मजे, शायद से ना फ्रैंकलिन पहले नहीं, फ्रैंकलिन को एक बार ही मैं लेकर आ रहा हूं लिबर्टी सिटी। तो चलो गाइस यार यहां पर ना किसी की गाड़ी खड़ी थी और लो भाई लिबर्टी सिटी में आती चोरी कर दी। वैसे यार यहां पर चोरियां बहुत ज्यादा होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है आके लोगों के लिए। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर निकल लेता हूं सीधा उस जगह के लिए जहां से मुझे बैनी ने गाड़ी खरीदने के लिए बोला है और जहां से बैनी हमेशा गाड़ियां मंगवाता है। अब यार देखो अभी ना मैंने आपको एक चीज तो दिखाना ही भूल गया, यहां पर जो हमारा मैप है ना गाइस वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, क्योंकि गाइस यार लेस्टन ने ना हमें यहां पर एक न्यू मैप दिया जिसके अंदर हमें मिलिट्री बेस तक पूरा का पूरा नजर आता है। मतलब जो नॉर्मल मैप था ना उसके अंदर मिलिट्री बेस नजर नहीं आता, और यहां पर जो अपना प्रिजन है वो भी इसके अंदर हमें पूरा का पूरा दिखता है। मतलब यार ये बहुत ज्यादा डिटेल वाला मैप है, जितने भी रोड है ना उन सभी रोड का नाम तक हमें इस वाले मैप के अंदर दिखता है। मतलब बहुत ज्यादा डिटेल है, अगर हम लोग कोई भी चोरी करते हैं फिर हमें कहीं से भागना होता है तो ये जो मैप है हमारे बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। और लेस्टन ने हमें इसीलिए दिया है ताकि अगर हमें कभी भागना हो या फिर कभी कुछ भी करना हो किसी भी दिक्कत में आ जाए तो हम लोग डायरेक्टली मैप में देख के सीधा उस प्रॉब्लम से निकल जाए। बाकी तो और आप लोग यहां पर देख पा रहे हो पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे लिबर्टी सिटी के जो रोड है ना वो थोड़े बहुत खाली नजर आ रहे हो। भाई ऐसा कैसे हो गया, यहां पर ट्रैफिक कैसे नहीं है, मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। और भाई मैं एकदम खाली रोड में फुल मजे में आराम से गाड़ियां चला रहा हूं और यहां पर ना ट्रेन भी बहुत ज्यादा चलती है। मतलब आप लोग ये फ्लाईओवर देख पा रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का फ्लाईओवर है। बाकी एक शॉर्टकट मार के मैं इस साइड पर आ गया हूं और अभी यार मेरे को इधर नहीं जाना, मेरे को जाना है सीधा उस वाले शोरूम के लिए जहां से मुझे गाड़ियां खरीदनी है। अभी जल्दी चलते सीधा उस जगह पर। बाकी यार वो जो जगह है ना यार यहां से बहुत ज्यादा दूर, आप लोग को यहां पर दिख ही रहा होगा कितनी ज्यादा हमें दूर जाना पड़ेगा। वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधा सीधा रोड है, ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला। और यहां पर मैंने ना एक थोड़ा सा रॉन्ग कट ले लिया, एक सेकंड में थोड़ा सा रॉन्ग वे आ गया। अभी जल्दी से ना मुझे आगे वाले कट से ही राइट लेना है, ठीक है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर जो लिबर्टी सिटी का मेन हाईवे है वो मैंने पकड़ लिया है। और गाइस यार यहां पर तो हाईवे में भी इतना ज्यादा ट्रैफिक है पूछो मत। उस टाइम पर मैंने बोला था कि इधर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, बट यार आप लोग को भी नजर ही आ गया होगा कितनी ज्यादा गाड़ियां भरी हुई है। मतलब हाईवे इतना भरा हुआ है तो नॉर्मल रोड जो मार्केट एरिया है वहां पर कितना ट्रैफिक होगा। और भाई ये देखो गाड़ी मेरी पूरी तोड़ डाली पीछे से। और बाकी आके जो रोड है ना भाई बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से बनाया गया, और एक एक ब्रिज में इतनी ज्यादा चीजें बनी है ना भाई क्या ही बोलूं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते पहुंच चुका हूं सीधा लिबर्टी सिटी की मेन जगह पर। और जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो इधर इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, शायद से मैंने आपको पहले भी दिखा रखी है इसलिए मैं दोबारा नहीं दिखाने वाला। भाई साहब यहां पर रॉन्ग वे तो खुद आया, एक सेकंड रुक जा, तू आजा भिड़ ले इसकी ऐसी की तैसी, अब बता इसकी भैंस के रंग जानता भी है कौन है, हम लोग हल्के में ले रहा है। गाइस यहां पर ना लिबर्टी सिटी में बहुत ज्यादा बदमाश है। और गाइस यार एक चीज तो मैं भूल ही गया, तेरे को ज्यादा जल्दी हो रही है बे, उनके लॉस गैंग के तो बंदे होते हैं, मैं यही सोच रहा था। गाइस यार यहां पर पता है अभी सीन क्या है, इधर ना बहुत सारे लॉस गैंग के बंदे भी घूमते हैं। मतलब ये जो लिबर्टी सिटी है ना यहां पर लॉस गैंग का राज चलता है, इसलिए ना हमें यहां पर ज्यादा लड़ाई वड़ाई नहीं करनी। और एक गोली चलते पूरा का पूरा एरिया ही खाली होगा, यहां पर काफी बड़े बड़े गैंगस्टर्स रहते हैं क्योंकि यार यहां पर ना पुलिस वुलिस से उतना खतरा होता नहीं है। और यहां पर और भी बहुत ज्यादा उल्टे सीधे बिजनेस चलते हैं तो इसीलिए ना यहां पर खतरा बहुत ज्यादा। और बाकी यार यहां पर इतने ज्यादा खाली रोड तो मैं पहली बार देख रहा हूं। और ये जो बिल्डिंग्स है ना इसका साइज आपको नजर आ ही रहा होगा कितनी ज्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। खैर अपने मेज बैंक टावर से ऊंची नहीं है लेकिन ये बात है कि उसकी बराबरी की तो है। तो चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना जल्दी से यहां पर मैं फटाफट से अपनी कार को लेकर निकल लेता हूं सीधा उस जगह पर। तो गाइस यार वैसे तो मैं अपनी गाड़ी को सीधा शोरूम के लिए लेकर जा रहा था लेकिन गाइस यार अभी ना मेरे को बीच रास्ते में याद आया क्यों ना हम लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखते हुए चले, मतलब कि एक बढ़िया सा नजारा भी देखने को मिल जाएगा। बाकी यार आज ना यहां पर लिबर्टी सिटी में काफी ज्यादा अजीब सा मौसम हो रहा है, कभी भी धूप आ जा रही है कभी भी बारिश हो जा रही है। और यहां पर वो देखो सामने की तरफ में स्टैचू ऑफ लिबर्टी कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और यहां पर पुलिस पीछे कहां से आ गई, वैसे मेरे को पुलिस से डरने की बात नहीं है, यहां की जो पुलिस है ना काफी घोचू है। और भाई ये कैसा पोल है इतना ज्यादा मजबूत है, गाड़ी धक्का तक नहीं दे पा रही इसको। चलो यार कोई नहीं, अभी मेरे को एक ना ढंग की गाड़ी भी लेनी पड़ेगी, पता नहीं कैसे ड्राइवर्स हैं आके कभी भी गाड़ी मोड़ देते कभी भी रोक देते, कोई सिग्नल्स नहीं फॉलो कर रहा। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा शोरूम के पास। और जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो इधर भाई रोड पर कितना ज्यादा ट्रैफिक है भाई पूछो मत। मतलब कि अगर आपने तेज चलाने की कोशिश करी ना तो सीधी सी बात है एक गाड़ी ठोकेगी और उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम लग जाएगा। और यहां पर मेरे को समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या हो रखा है जो इतनी गाड़ियां रुकी पड़ी है, भाई कोई बंदा भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने को राजी नहीं है इधर। अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलता हूँ, नहीं मतलब यार पतले पतले रोड पर 20-30 व्हीकल्स जा रही हैं। और यहाँ पर फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को इधर मोड़ता हूँ। अब बैनी ने तो यार मेरे को यही वाली जगह दी थी जहाँ पर शोरूम है लास्ट टाइम, तो मैं एक पतली सी गलियों में से जाकर एक गाड़ियाँ लेकर गया था। बट यार अभी जहाँ पर बैनी ने मुझे भेजा ना वो कोई शोरूम है, तो अभी जल्दी से मैं उस शोरूम को ढूंढता हूँ ऑटो करके, उसका कुछ नाम है मेरे को नाम भी अच्छे से नहीं याद। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल जो राइट में रोड जा रहा है उधर तो कुछ भी नहीं है लेकिन लेफ्ट की तरफ में यही है शोरूम।
चलो गाइस यार फाइनली मेरे को शोरूम मिल गया और इस शोरूम का नाम है यहाँ पर ऑटो एरोटिकार। चलो गाइस यार अभी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़े करता हूँ और सामने की तरफ में लॉस गैंग वालों की दो दो वैन खड़ी हुई है। शायद से ना गाइस ये जो लॉस गैंग है ना इसी का ही शोरूम है, क्योंकि जो लिबर्टी सिटी है ना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉस्ट गैंग का ही राज चलता है और कोई भी गैंग यहाँ पर नजर भी नहीं आती। तो अभी ना फिलहाल मैं इससे पंगा नहीं लेने वाला, क्योंकि जो लॉस्ट गैंग है ना वो मेरे को शायद से यहाँ वाली गैंग में मेरे को पहचानती होगी। फिलहाल तो मैंने अपने फेस पर मास्क लगा रखा है तो कोई भी दिक्कत की बात है नहीं। और गाइस यार गाड़ियाँ तो काफ़ी कम है, मेरे को नहीं लगता कि यार इनके पास गाड़ियाँ मिलने वाली है। बाकी यार अभी ना जल्दी मैं इन लोग से बात करता हूँ और देखते हैं क्या सीन है। तो चलो गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लॉस्ट गैंग के इस बंदे से बात हो चुकी है और गाइस यार ये कह रहा है कि ना हमारे पास तुम्हें सारी की सारी गाड़ियाँ देखने को मिल जाएगी जो भी तुम्हें चाहिए। लेकिन अभी ये लोग सारी की सारी गाड़ियाँ अपने शोरूम में नहीं खड़ी करते, क्योंकि इनके पास बहुत सारी कार्स हैं तो इन्होंने एक बहुत बड़ी पार्किंग ले रखी है, वहीं पर हमें जाना पड़ेगा अपनी गाड़ी लेने के लिए। तो हमें जो चाहिए गाड़ी चाहिए उसका नाम है बेंटले बेंटेगा, तो अभी जल्दी से वहीं पर चलकर देखते हैं। बाकी यार इधर आप लोग देख पा रहे हो इधर एक पिंक कलर की फरारी जो कि बहुत सही लग रही है और ये बाइक है हार्ले डेविडसन जैसी जॉम्बी बॉम्बर इसका नाम है। और यहाँ पर जो लैम्बोर्गिनी हुरैकन है ये भी बहुत तगड़ी लग रही है, ये हुरैकन है रेवेंटन है पता नहीं कौन सी है बट जो भी है बहुत सही है। और यहाँ पर ये है अपनी कॉनिसक अगेरा भाई, ये भी बहुत ज़्यादा सही लग रही है। और पीछे की तरफ मेरा कुछ पांच बाइक्स खड़ी हैं और ये जो बाइक है ये मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। फिलहाल ये चार तो नॉर्मल है, इससे मैं बात करता हूँ इस बाइक का प्राइस क्या है, क्योंकि ये जो येलो वाला कलर है ना ये मेरे को बहुत ज़्यादा तगड़ा लग रहा है। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इस बंदे से बात हो गई है इस बाइक के बारे में और उसका अभी किसी का कॉल आ गया है। तो बाकी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ये कह रहा है कि ना जो बाकी चार बाइक है इनका प्राइस है $1 million, लेकिन ये जो येलो वाली है ना इसका प्राइस है $2 million। अब यार देखो मेरे को समझ नहीं आ रहा आखिरकार इस बाइक में ऐसा है क्या जो ये इतनी ज़्यादा महंगी बिक रही है। बाकी यार देखने में तो बहुत ज़्यादा तगड़ी है और बाइक का साउंड भी कितना ज़्यादा तगड़ा है। तो मेरे हिसाब से ना मुझे वाली जो बाइक है ले लेनी चाहिए अपने लिए। अब जो बाकी बाइक्स है ना उनके साइलेंसर इतने तगड़े नहीं है और उनका जो पेंट है ना वो नॉर्मल सा है, तो मेरे हिसाब से मुझे ये वाली लेनी चाहिए क्योंकि $1 million और लग रहे हैं लेकिन यार बाइक बहुत तगड़ी मिल रही है। और ये कह रहा कि ना ये जो बाइक है तुम्हें हमारे अलावा कहीं पर मिलने भी नहीं वाली। एक काम करता हूँ पहले ना मैं ऑनलाइन चेक कर लेता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि भैया पागल बना के मैं भेज दे। फिलहाल ये एक वेबसाइट है ना जहाँ पर मैक्सिमम व्हीकल्स अवेलेबल होते हैं जितने भी नए नए आते हैं। बाकी यार यहाँ पर अगर इसने कहा है तो शायद से नहीं मिलेगी, क्योंकि यार इधर इतनी सारी गाड़ियाँ हमें देखने को मिल रही है बट यार बाइक्स में भी हमें वाली बाइक नहीं मिल रही भाई साहब। सच्ची में अब तो मैं वाली बाइक जरूर लूँगा, मतलब कि यार इसकी शॉप में जितनी भी गाड़ियाँ ना वो ऑनलाइन नहीं मिल रही है। तो भी जल्दी से ये वाली जो बाइक है ना मैं खरीदने वाला हूँ $2 million की, लेकिन यार उससे पहले ना जल्दी से बेंटले खरीद कर आ जाते हैं इसके साथ चल के। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल ये हमें बोल रहा है कि जल्दी से अब हम लोग चलते हैं सीधा अपनी पार्किंग में जहाँ पर इन लोग की सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है। फिलहाल वापस आके जो बाइक है ना ये मैं जरूर खरीदने वाला हूँ $2 million की। और वैसे भी अभी मेरे पास यार $800 million है और तेरी गाड़ी कहाँ पर खड़ी है भाई, वरना हम फिर अपनी गाड़ी से जाएं। बाकी हमारी गाड़ी कहाँ चलेगी यार, मैंने यही खड़ी करी थी, चोरी भी होगी भाई, अलग ही सीन है यार यहाँ का, मतलब कुछ पता ही नहीं चलता कम में क्या हो जाता है। मेरे को जहाँ तक याद है मैंने अपनी गाड़ी यहीं खड़ी करी थी और यार ड्राइविंग तो देखो इन लोग की कैसी सी है। तो गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल हम तीनों लोग यहाँ पर गाड़ी में बैठ चुके हैं और गाइस यार अभी ना हम लोग जाने वाले हैं सीधा इसकी पार्किंग में। बाकी यार गाड़ी तो यही चलाने वाला है, रस्ते वस्ते में मालूम नहीं है और ये पक्का इधर फ्रैंकलिन बैठा होगा, हमेशा वही गेट नहीं बंद करता। और यार इतनी ज़्यादा स्लो गाड़ी किस लिए चला रहा है भाई, इससे बढ़िया तो गाड़ी मैं चला लेता। चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी यार जो इसकी गाड़ी का साउंड है ना यार साउंड बहुत ज़्यादा तगड़ा है, और फ्रैंकलिन गेट बंद कर दे उसकी गाड़ी का वरना अगर गेट टूटा तो पैसे हमें भरने पड़ जाएंगे। बाकी यार यहाँ पर ओके ऑटोमेटिकली बंद हो गया भाई, रेंज रोवर है कोई हल्की फुल्की गाड़ी है नहीं, मतलब कि यार पहली बार है जो हम ओरिजिनल वाली रेंज रोवर में बैठ रहे हैं। बाकी यार अभी तक हम वो लोकल वाली थी ना उसी में बैठते थे, यार इसकी बात ही अलग है, मतलब अलग ही चमक रही है। तो गाइस यार देखो जब तक हम लोग गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे यार गाड़ी बहुत ज़्यादा ठुक रही थी, लेकिन यार ये है ना ये लिबर्टी सिटी का बंदा है इसलिए इसे ना यहाँ पर एकदम अच्छे से ड्राइविंग करनी आती है। इसको पता है कि यहाँ पर आगे के बंदे कैसे हैं कैसे चलाते हैं, इसलिए इसे सब पता भैया गाड़ी कैसे चलनी चाहिए। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी तो फिलहाल ये बंदा बहुत तेज तेज गाड़ी चला रहा था, लेकिन अभी अपनी गाड़ी ट्रैफिक जैम में अटक चुकी है। मतलब कि यार आप लोग देख रहे हो ऐसा सीन है कि अगर आप अपनी गाड़ी निकालना चाहते हो ना तो ट्रैफिक रूल तो टूटे गई साथ के साथ आपकी गाड़ी भी टूट जाएगी, तो इसलिए चुपचाप है सीधी सी बात है ट्रैफिक रूल फॉलो करो अगर अपनी गाड़ी बचानी है। बाकी यार यहाँ पर इतनी धीरे गाड़ियाँ चला रहे हैं ये लोग, बस चला लो भाई हमें पहुँचना है जगह पर भाई। यहाँ पर ड्राइविंग का अलग ही मजा है, सीधी सी बात है भाई कार तो लो ही मत, अपना बाइक लो और फुल मजे में चलाओ। इतना ज़्यादा ट्रैफिक भाई जैसे लंगर बट रहा होगे, तो भी पता नहीं हमें कहाँ पर लेकर जाने वाला है। फिलहाल शायद से जो पार्किंग है ना वो आ चुकी है। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल ये जो बंदा है हमें किसी दूसरी जगह पर लेकर आ चुका है, क्योंकि गाइस यार जहाँ पर हमें पहले लेकर गया था ना वहाँ पर इसकी बहुत बड़ी पार्किंग थी और उधर काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, लेकिन यार उधर ना कोई भी तगड़ी कार नहीं थी और जो कार हमें चाहिए बेंटले बेंटेगा वो तो वहाँ पर थी नहीं। तो अभी ना फिलहाल ये हमें अपनी दूसरी पार्किंग के अंदर लेकर आया है और गाइस यार ये कह रहा है कि इधर तुम्हें तुम्हारी गाड़ी जरूर मिल जाएगी। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ये एक पब्लिक पार्किंग है, अब पता नहीं शायद से ना इसने कोई ऊपर वाला फ्लोर खरीदना रखा हो। बाकी यार ड्राइविंग तो इसे बहुत अच्छी आती है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख
पा रहे हो, मतलब एकदम मस्त तरीके से ड्राइव कर रहा है। और यार यहाँ पर मुझे कोई भी गाड़ी नजर तो नहीं आ रही, पता नहीं ये किस चीज़ की बात कर रहा है। कहा तो था इसने कि मेरी इस वाली पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और जो गाड़ी तुम्हें चाहिए वो भी मिली जाएगी। बाकी एक बार चलकर देखते हैं। और भाई लॉस गैंग वालों पर सच्ची में बहुत गाड़ियाँ हैं और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल ये बंदा हमें ऊपर लेकर आ चुका है। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी से उतर चुका हूँ और इधर कितनी ज़्यादा तगड़ी तगड़ी कार्स खड़ी हुई हैं। यहाँ पर ना एक काम करता हूँ, इधर से मैं देखना चेक करता हूँ। फिलहाल इस तरफ में एक लैम्बोर्गिनी है, मेरे को कन्फर्म पता है दो मॉडल हो गए, एक बिक गया है। मतलब कि जितनी जगह भी आप खाली देख रहे हो ना, तो समझ लो गाड़ी वहाँ की बिक चुकी है। और इस तरफ में दो दो लैम्बोर्गिनी सियान है और पीछे की तरफ में एक फरारी है। थोड़ा सा और आगे चलता हूँ गाइस यार, ये गाड़ी तो बहुत ज़्यादा तगड़ी है। ये मेरे को कोई निसान का मॉडल लग रहा है, ये निसान GT आ रहा है। और इस तरफ में दोबारा से एक कॉनिसक अगेरा और यहाँ पर तीन तीन लैम्बोर्गिनी टायर्स हो। भाई ये सारी की सारी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगे, मतलब समझ लो कुछ कुछ गाड़ियाँ इसमें 10-10 मिलियन डॉलर की है और बाकी पाँच तीन तीन मिलियन डॉलर की कार्स हैं। पर अगर अभी मैं थोड़ा सा आगे चलूँ तो यहाँ पर दो दो रेंज रोवर खड़ी हुई है, भाई कितनी तगड़ी लग रही है। और यहाँ पर यह है बेलर। और थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, ओ भाई ये कितनी ज़्यादा तगड़ी रॉयल कार है। मतलब कि अगर इस कार को मैं खरीद के गोल्ड कलर कराकर बेचूंगा तो बहुत सही बिक जाएगी। और यहाँ पर ये दोनों जेड टाइप खड़ी हुई है, ये दोनों कार 10-10 मिलियन डॉलर की है भाई, बहुत सही। और यहाँ पर ये छोटी सी कार है, ये कार थोड़ी मतलब देखी देखी तो लग रही है, अब पता नहीं कार मेरे को ज़्यादा महंगी नहीं लग रही लेकिन महंगी होगी। और यहाँ पर इस तरफ में ये जो कार है ये भी बहुत ज़्यादा तगड़ी विंटेज कार है। यहाँ पर दो दो मॉडल हैं। और ये जो तो कार आप देख पा रहे हो ये वही कार है जो हम खरीदने के लिए आए हैं, बेंटले बेंटेगा। तो अभी ना फिलहाल इन दोनों कार्स के अंदर मुझे कौन सा कलर्स लेना चाहिए उसके अंदर मैं कन्फ्यूज नहीं होगा, क्योंकि अगर गलत कलर भी हम ले जाते हैं तो बैनी उसे अपना मॉडिफाई कर देगा, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पैसा उस पर और लग जाएगा। तो ओके गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं गाड़ियाँ देख ही रहा था तभी मुझे लेसर का कॉल आया। और गाइस यार लेसर ये कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी लॉस सैंटोस पहुंचो, क्योंकि गाइस यार फाइनली इसको ट्रेवर के बारे में पता चल गया है। और गाइस यार अच्छी बात तो यह कि ट्रेवर अभी जिंदा है और लेसर अभी आगे का प्लान वहीं पर पहुंचने के बाद बताया, क्योंकि प्लान जो इस बार बहुत बड़ा होने वाला है। तो अभी ना फिलहाल एक काम करता हूँ, बाकी गाड़ी हम लोग और कभी आगे खरीदेंगे। और गाइस यार ये कह रहा है कि अभी ऊपर वाले फ्लोर पर और भी ज़्यादा गाड़ियाँ और बाइक्स खड़ी है, तो अभी फिलहाल ऊपर जाने का टाइम नहीं है। जल्दी से ना मैं इसको इसकी कार की पेमेंट करता हूँ, यहाँ पर जो बेंटली बेंटेगा है और वो वाली जो बाइक है, दोनों कार की मैं पेमेंट करता हूँ और जल्दी से यहाँ से हम लोग निकल लेते हैं। और अभी ना फिलहाल इसको मैं बोल दूंगा कि जल्दी से जितनी भी गाड़ियाँ ना इसे एयरपोर्ट छुड़वा दे, क्योंकि गाइस यार अगर अभी हम लोग खुद यहाँ पर ट्रेलर पर लोड करके ले जाएंगे तो यार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, क्योंकि यार आप लोग को पता ही होगा कि यार यहाँ पर लिबर्टी सिटी में कितना ट्रैफिक है, इसलिए हम लोग इसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर देंगे। अभी फिलहाल इस बंदे को मैंने पूरे के पूरे यहाँ पर 3 मिलियन डॉलर दे दिए हैं, क्योंकि जो अपनी बाइक है वो 2 मिलियन डॉलर की है और साथ के साथ ये वाली जो कार है ना ये मतलब कुछ 5-6 लाख डॉलर की थी, लेकिन मैंने इसको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, टोटल 3 मिलियन डॉलर से दे चुके हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने फ्रैंकलिन को सारी की सारी बात बता दिया कि लेस्टर का कॉल आया था और गाइस यार लेस्टर ने ट्रेवर को ढूंढ निकाला है। और गाइस यार अभी ना हमें जल्दी से बिना किसी देरी के पहुंचना होगा एयरपोर्ट लिबर्टी सिटी के, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी लॉस सैंटोस पहुंच पाएं। और गाइस यार ये जो बंदा है ना ये कह रहा है कि हमारे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले हमारी गाड़ियों को एयरपोर्ट पहुंचा देगा, मतलब जो गाड़ी और हमने बाइक इससे बाय करी है। अभी फिलहाल एक काम करता हूँ, यहाँ पर यार कैब तो मैं करूंगा नहीं, जल्दी से ना यार मुझे यहाँ पर कोई ना कोई गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। एक सेकंड मैडम जी गाड़ी रोको, बाहर निकलो यहाँ पर फटाफट, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तेरी ऐसी तरह से निकल यहाँ से। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट हमें गाड़ी मिल गई। फ्रैंकलिन कहाँ रह गया, जल्दी आ भाई। तो चलो गाइस यार अभी ना यहाँ पर फिलहाल फ्रैंकलिन भी भागता भागता आ गया, चल भाई जल्दी से गाड़ी में बैठ हमें यहाँ से निकलना। और वैसे भी मैंने ऑलरेडी एक गोली चला दिया है और पता नहीं पुलिस के सायरन का साउंड मेरे को क्यों आ रहा है, मेरे को लग रहा था इधर की पुलिस इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए मैंने नॉर्मली उस बंदे को मार दिया। भाई इतनी खतरनाक टक्कर कैसे लगी है। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल लेता हूँ। सामने की तरफ से बंदे भी आना शुरू हो गए, ओ भाई यहाँ पर भाई, अरे मैंने एक लड़की को ही तो मारा, ये पुलिस वुलिस किस लिए आ गई भाई, एक सेकंड। मतलब क्या यार यहाँ पर कुछ अलग ही सीन चल रहा है यार, मतलब नॉर्मली बंदे लड़ते रहते हैं गोली चलाते रहते हैं उनको पुलिस वाले कुछ नहीं कहते, और यहाँ पर मैंने एक गोली चलाई भाई चारों तरफ की रोड ही ब्लॉक कर दिए। एक सेकंड यार, मैं सिटी में नहीं हूँ तो यार कुछ भी, एक तो यार सिटी के जो पोल है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत है कि बंदा कुछ कर भी नहीं सकता। सामने की तरफ से ना एक गाड़ी और आ रही है, जल्दी से ना इस वाली गाड़ी को लेकर मैं यहाँ से निकलता हूँ। यार पुलिस वाले अलग पीछे पड़ गए, वैसे हमें जल्दी से एयरपोर्ट जाना है। फ्रैंकलिन जल्दी बैठ अभी, वरना सारी की सारी पुलिस मेरे से पिटेगी। और ये बंदे कैसे हैं भाई, मारोगे क्या उसको, जल्दी बैठ फ्रैंकलिन अभी फटाफट हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। इतनी तेज भाई फ्रैंकलिन के टक्कर मार दी। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते काफ़ी ज़्यादा दूर लेकर आ चुका हूँ। और यार यहाँ पर सामने की तरफ से ये लोग कैसे गाड़ियाँ चलाते हो, अरे अंधा वंधा है क्या भाई, मतलब यार अलग ही सीन है इसका, इतनी तेज गाड़ी लाकर ठोक दी। और यार एक तो ये पुलिस वाले मेरा पीछा पता नहीं कब छोड़ेंगे, अभी ये लोग जानते नहीं है कि ये माइकल है, मतलब मैंने बस एक लड़की को मार के उसकी गाड़ी चुराई और इतनी बुरी तरह भाई इन्होंने मारना शुरू कर दिया। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं भाई सामने की तरफ से, अभी आने दो इसको मैं बताता हूँ। यहाँ पर गाइस यार ये LCPD है, मतलब लिबर्टी सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के सारे के सारे। चलो कोई नहीं, इनको और को भी देखेंगे। बाकी यार यहाँ पर रोड पर गाड़ी चलाने से बढ़िया है ना फुटपाथ पर गाड़ी चला,
तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर पहुंच चुका हूँ सीधा एयरपोर्ट के लिए। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई इधर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि यार जब भी बारिश होती है ना तो इधर भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम लग जाता है, पूछो मत। तो चलो यार कोई नहीं, अभी फिलहाल मैं तो एकदम सही टाइम पर पहुँच गया। अगर बारिश मेरे पहुँचने से पहले शुरू हो जाती ना तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाती। तो अभी ना फिलहाल एयरपोर्ट की एंट्रेंस यहाँ पर दो दो है, तो एक काम करता हूँ यहाँ पर जो आगे वाली एंट्रेंस है ना वहाँ से मैं अपनी गाड़ी को अंदर ले जाता हूँ। बाकी यार बस ना मैंने यार अपने मतलब जो फ्रेंड था उसको भी कॉल नहीं करा। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर एंटर करवाता हूँ। और गाइस यार मुझे ना उस बंदे ने बोला था, यानी जो लॉस गैंग का बंदा, उसने कहा था कि जो मेन गेट की एंट्रेंस है ना उसके सामने हम तुम्हारी गाड़ियाँ डिलीवर कर देंगे। बाकी यार इस तरफ मेरे को गाड़ी तो नज़र नहीं आ रही, ओके एकदम सामने इन लोगों ने खड़ी करी है। तो देख लो भाई यहाँ पर तीन चार गाड़ियाँ और भी इन्होंने लग रहा है इधर डिलीवर करी है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल हमारी गाड़ी तो आ गई है, अभी ना यार मेरे को एक आध प्लेन देखना पड़ेगा जिसके अंदर मैं इसको लोड करवा कर जाने वाला हूँ। अदरवाइज यार शिप से ही ले जाना पड़ेगा क्योंकि जो अपना पुराना वाला फ्रेंड है ना उसका भी कॉल नहीं लग रहा, पता नहीं वो कहाँ पर बिजी होगा। यार कोई प्लेन मिल जाता जिसके अंदर गाड़ी लोड हो जाती तो कितना ज़्यादा बढ़िया रहता। चलो कोई नहीं, एक बारी मैं आगे की तरफ में देखता हूँ, वहाँ पर ना एक छोटा सा कार्गो प्लेन खड़ा हुआ है। अब पता नहीं उसके अंदर हमारी गाड़ी आ पाएगी या फिर नहीं आ पाएगी, बट ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो गाइस यार देखो किस प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई ये तो वही वाला प्लेन है ना, नहीं 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 ये देखने में वैसा ही है। बाकी यार ये जो प्लेन है ना सेम टू सेम वैसा ही प्लेन है जो कि बिग माफिया का भाई लेकर आता है। अब इसके अंदर मेरे हिसाब से गाड़ी तो लोड हो जानी चाहिए, अभी जल्दी से मैं इसके अंदर चलता हूँ भाई। ये बहुत ज़्यादा तगड़ा है देखने में, मतलब क्या ये देखो, हाँ यार ये सेम टू सेम वैसा ही है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इसके अंदर गाड़ी लोड हो जाएगी। तो चलो गाइस यार अभी ना फ्रैंकलिन भी अपने प्लेन के अंदर आकर बैठ चुका है, तो जल्दी से मैं अपने यहाँ पर कार्गो प्लेन को आगे लेकर चलता हूँ। वैसे ये कार्गो प्लेन नहीं है, इसे हम एक टाइप से फाइटर प्लेन कह सकते हैं। और यार अभी ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके अंदर अपनी गाड़ियाँ कैसे लोड करवाऊँगा। यार ये बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं इसके टायर यहाँ पर, मतलब ये घूम नहीं रहा, एक टाइप से स्लिप कर रहा है। और यार पूरे के पूरे एयरपोर्ट में मेरे को ऐसा लग रहा है कि पानी भर गया है और मुझे टेक ऑफ नहीं करना चाहिए वरना अपना एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन यार अभी ट्रेवर को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, ये देख रहे हो ब्रेक तक नहीं लग रही यार इसके अंदर सही से, थोड़ा मुश्किल हो रहा है यार इसको चलाना। तो चलो गाइस यार फाइनली मैंने इसे एयरलाइन पर एकदम सही तरीके से खड़ा कर दिया। अब टाइम है अपनी गाड़ियों को लेकर आने का, फटाफट से फ्रैंकलिन इसके पीछे वाला वो मतलब कि जो ट्रंक है वो खोल, फिर फटाफट से सारी की सारी गाड़ियाँ लोड करवाते हैं। तो कि गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं भागते भागते अपनी गाड़ियों के पास वापस आ चुका हूँ। तो गाइस यार सबसे पहले ना मैं अपनी ये वाली कार को लेकर जाने वाला हूँ। फ्रैंकलिन तू जल्दी से बाइक लेकर आ जा। अभी यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो जो गाड़ी है ना है तो यार सच्ची में बहुत ज़्यादा बढ़िया, मतलब कि यार जो उस बंदे को चीज़ चाहिए थी ना उसको उससे ज़्यादा बढ़कर मिलने वाली है। मतलब कि गाड़ी एकदम नई कंडीशन में और वो भी बहुत कम प्राइस में हम लोग उसे देंगे। अभी फटाफट से इस गाड़ी को यहाँ पर मैं अंदर एंटर करवाता हूँ इस वाली मतलब कि कार्गो प्लेन के अंदर। बाकी तो यार काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से चल रही है। तो चलो यार अच्छी बात तो ये है कि इतने एरिया में हमारी बाइक भी आकर खड़ी हो सकती है, मुझे तो ये लग रहा था कि मैं अपनी बाइक नहीं ला पाऊंगा। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर फ्रैंकलिन ये वाली बाइक भी लेकर आ चुका है, तो जल्दी से गाइस यार इस वाली बाइक को भी मैं यहाँ पर अंदर एंटर करवा देता हूँ। और यार ये तो यार बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से चल रही है अपनी वाली बाइक। तो चलो यार कोई नहीं, भी फ्रैंकलिन भी बारिश में भीग रहा है, मैं तो ऑलरेडी भीग ही चुका हूँ। तो जल्दी से अपनी बाइक को यहीं पर खड़ा करते हैं और फटाफट से अपने प्लेन को लेकर निकल लेते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए। और ट्रेवर को बचाना है, फालतू का हम बाद में करेंगे। तो चलो भाई, तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर हमने अपने मतलब कि प्लेन के अंदर दोनों की दोनों गाड़ियाँ रखवा दी। अभी फटाफट से अपने प्लेन को लेकर यहाँ से टेक ऑफ कर लेते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए। बाकी यार मुझे लग रहा था इस प्लेन की जो स्पीड है ना वो काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन गाइस यार काफ़ी ज़्यादा कम स्पीड में ही उड़ रहा है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर यार पहुँचने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि गाइस यार ये जो प्लेन है ना है बहुत ज़्यादा हैवी और पीछे हमने इतनी एक तो गाड़ियाँ भी लोड करवा दिया ना, वैसे उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा बट 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है पहुँचने में। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो फाइनली हम लोग अपने प्लेन को लेकर पहुँच चुके हैं सीधा लॉस सैंटोस। आपको आगे की तरफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया नज़ारे नज़र आ रहे होंगे, मतलब कि ना काफ़ी ज़्यादा शाम भी हो चुकी है तो भी जल्दी से हमें अपने प्लेन को भी यहाँ पर नीचे लैंड करवाना पड़ेगा। और यार इसको मैंने उड़ा तो लिया लेकिन यार ये नीचे कितनी धीरे धीरे जा रहा है, एक तो भी ना इसने इतनी ज़्यादा स्पीड भी पकड़ ली थी और यार ये इतनी धीरे धीरे नीचे जाता है मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं इसे इतना ज़्यादा ऊपर उड़ाता ही नहीं। भाई ये जो प्लेन है ना इसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और बस यार ढंग से एक बार ही ना लैंड कर जाए फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वरना तो यार बहुत गलत सीन हो सकता है। मतलब इसकी स्पीड देखो आप लोग कितनी जा रही है, पहली बार ही होगा कि मैं ऐसा कोई प्लेन उड़ा रहा हूँ, मतलब यार एकदम अलग ही तरीके से उड़ रहा है, स्पीड इसमें है और नहीं भी है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड पकड़ लेता है और कभी उड़ाने लगो तो भाई उड़ तक नहीं पाता। तो चलो गाइस यार फाइनली काफ़ी ज़्यादा आराम से मैंने इस वाले प्लेन को लैंड करवा दिया है और अभी भी ये ना हवा में ही उड़ रहा है। तो चलो भाई फाइनली ये लैंड करा भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक बहुत ज़्यादा हैवी प्लेन है ये, मतलब अगर मैंने इससे किसी बड़े वाले प्लेन को टक्कर मार दी ना तो इसको कुछ नहीं होगा लेकिन वो पूरा का पूरा उड़ जाएगा भाई, बता रहा हूँ। तो चलो यार यहाँ पर भी फिलहाल बारिश हुई थी लेकिन यार इधर अभी बारिश बंद हो चुके हैं जहाँ तक मुझे देखने से लग रहा है। तो भी जल्दी से इस वाले प्लेन को मैं अपना थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ, उस तरफ में जो मेरा पर्सनल हैंगर है ना उसी के अंदर मैं लेकर इसे जाने वाला हूँ।
ताकि जितनी भी गाड़ी वाड़ी है वो सारी की सारी मैं बाहर निकालूं और फटाफट से अपनी गाड़ी लेकर हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। तो जो उस बंदे की गाड़ी है वो मैं बाद में डिलीवर करूँगा, क्योंकि गाइस यार आप लोग को पता है यार अभी हमें जल्दी से ट्रेवर को बचाने जाना है। तो अभी ये वाला जो प्लेन है ना इसको भी मैं संभाल के रख लेता हूँ, ये अपने बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। और ये इधर पता नहीं किसी की लिमोजिन खड़े हुए लग रहा है, कोई ना कोई बड़ा बंदा मेरे को लग रहा है इधर आया है। तो चलो कोई नहीं, बड़ा बंदा भाड़ में जाए, अभी ट्रेवर जरूरी है। एक सेकंड ये छोटा वाला जेट तो भी कट ही जाता। तो चलो यार फाइनली अभी मैं इसको लेकर आ चुका हूँ अपने पर्सनल हैंगर में। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ कि जो मेरी गाड़ी है वो सही सलामत यहाँ पर आई है या फिर नहीं आई। बाकी यार गाड़ी में एक स्क्रैच तक नहीं आया, तो जल्दी से मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और यहाँ से इसको लेकर निकलते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर फ्रैंकलिन भी आ गया, और गाइस यार मुझे मालूम है ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल सीटर बाइक है, लेकिन गाइस यार अभी ना बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है इसलिए जैसे तैसे मैंने फ्रैंकलिन को भी अपने साथ ही बैठा लिया है। बाकी यार अभी तो फिलहाल रोड सारे के सारे सूख गए हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ भाई अभी सारे के सारे रोड एकदम ड्राई हो चुके हैं और आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो यार बाइक कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है, और बाइक के अंदर एक अलग ही स्पीड है, इसको बैठ कर चलाने में यार एक अलग ही लुक आ रही है। अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को ना आगे वाले कट से राइट मोड़ता हूँ, और अभी फिलहाल लेस्टन है मैं अपने वाले अड्डे पे ही मिलने के लिए बुलाया, जो कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग है मेज बैंक टावर के सामने। तो जल्दी से अभी हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, फिर देखते हैं आखिरकार लेस्टन ने क्या प्लान बनाया, हमें क्या करना है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं अपनी बाइक को भगाते भगाते पहुंच चुका हूँ सीधा उसी जगह पर जहाँ पर मुझे लेस्टन ने मिलने के लिए बुलाया था, मेज बैंक टावर के सामने जो कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग है उधर। बाकी यार आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो जो बाइक है ना इसके कंट्रोल्स भी बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, और यार बातों के चक्कर में मैं थोड़ा सा रोंग भी आ गया हूँ, लेकिन गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही ऊपर जाने का। फिलहाल सारे के सारे रास्ते बंद है, बट इधर से एक रास्ता खुला था तो जल्दी से मैंने अपनी गाड़ी को इस तरफ में मोड़ लिया, और वो ही सामने की तरफ में कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग। तो चलो यार एकदम सही आ गया मैं फाइनली, और अभी मेरे को इसी वाली बिल्डिंग के अंदर जाना है। यार इस बाइक को चलाने का ना पता नहीं कोई एक अलग सा ही मजा आ रहा है। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से मैं अपनी बाइक को यहाँ पर अंदर लेकर चलता हूँ इस कंस्ट्रक्शन साइट के, और जैसे कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो एक लिफ्ट यहाँ पर नीचे है, लेकिन गाइस यार ये वाली जो लिफ्ट है ना ये कुछ फ्लोर तक ही है, हमें जाना है एकदम टॉप फ्लोर पर, तो उसके लिए जो पीछे वाली लिफ्ट है ना वो जाती है। तो भी जल्दी से मैं भाग कर चलता हूँ उस तरफ में, और देखते हैं यार लेस्टर हमें क्या प्लान बताने वाला है। और गाइस यार वेपन्स का जो जुगाड़ है वो भी हमें करना पड़ेगा। फिलहाल जो अपना सीक्रेट बेस आप लोग को मालूम होगा वो लेस्टर का पुराना वाला ही जगह थी, बट अभी लेस्टर ने इस काम के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम दोनों लोग इस कंस्ट्रक्शन लिफ्ट में बैठकर आ चुके हैं सीधा इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर, और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो लेस्टर सामने ही बैठा हुआ है, क्योंकि गाइस यार ये जो काम है बहुत ज्यादा जल्दी का है, और यार नीचे कितना ज्यादा ऊपर है हम लोग। तो अभी जल्दी से इससे बात करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। तो चलो गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है, और गाइस यार लेस्टर ये कह रहा है कि जो मिलिट्री बेस की सीक्रेट टनल है जहाँ पर हमने गोल्ड चुराने के लिए अटैक करा था, उस जगह की जब इसने सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करी तब जगह से मालूम पड़ा कि आखिरकार ट्रेवर को मिलिट्री वाले पकड़ कर ले गया है, और इसीलिए इसने हमें मिलिट्री बेस का मैप दिया था ताकि अगर हमें वहां पर जाना पड़े तो कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन गाइस यार लेस्टर ये कह रहा है कि जो मिलिट्री वाले ना वो ट्रेवर के थ्रू बिग माफिया के भाई को मरवाना चाहते हैं, ताकि अगर वो मर जाए तो मिलिट्री वालों का फायदा होगा, लेकिन अगर बिग माफिया का भाई नहीं मरता वो ट्रेवर को ही मार देता है तो भी मिलिट्री वालों का फायदा होगा, क्योंकि यार इससे क्या ट्रेवर भी मर जाएगा, और साथ के साथ जो बिग माफिया का भाई है उसको ये लगेगा कि माइकल ने ही बिग माफिया के ऊपर अटैक करवाया, क्योंकि यार ट्रेवर ही माइकल का दोस्त है, और उसके बाद या तो वो माइकल को मारने के लिए आएगा, फ्रैंकलिन को मारने आएगा, माइकल की फैमिली को मारने आएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इस चीज को रोकना ही पड़ेगा। अब जैसा ऐसा लेस्टर कहता है वैसा वैसा हमें करना होगा। अभी बाकी पूरा प्लान सुनते हैं कि अगर हम इससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा। तो गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है, और गाइस यार लेस्टर ये कह रहा है कि इस बारी ट्रेवर का बचना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो मिलिट्री है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है नए वाले मिलिट्री कर्नल की वजह से, इसीलिए ना यार उसको बचाना थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, हमें थोड़ा ना एकदम दिमाग लगाकर काम करना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग मिलिट्री वालों को मारे और मिलिट्री वाले ट्रेवर को मार दे, फिर तो कोई फायदा ही नहीं होगा, इसलिए हमें एकदम समझदारी से उनके पास जाना है और उनका खेल खत्म करना है। तो फिलहाल यहाँ पर लेस्टर ने तो अभी कोई प्लान नहीं बनाया, लेकिन गाइस यार लेस्टर ये कह रहा है कि तुम जितनी ज्यादा सेफली मिलिट्री बेस के अंदर एंटर हो सकते हो उतनी ज्यादा सेफली हो जाओ, और एक बारी बस ड्राइवर तक पहुंच जाओ गन्स लेकर, उसके बाद तुम खुद संभाल लोगे। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन लिफ्ट में बैठकर पहुंच चुका हूँ नीचे। तो गाइस यार अभी ना हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना है, वो ये है कि आखिरकार हम मिलिट्री बेस के अंदर कैसे घुस सकते हैं, और वो भी वेपन्स के साथ ट्रेवर के पास तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर हम लोग एक बार ट्रेवर के पास तक पहुंच जाते हैं ना तो फिर ट्रेवर भी सेफ हो जाएगा, और ट्रेवर को गन पकड़ा दी तो हम तीनों लोग मिलकर मिलिट्री वालों की बैंड बचाने की हिम्मत रखते हैं। तो चलो यार कोई नहीं, अभी फटाफट से मैं अपनी गाड़ी में यहाँ पर बैठता हूँ, और फ्रैंकलिन कहाँ पर रह गया भाई, फ्रैंकलिन इतना टाइम लगाएगा तो मिलिट्री बेस जाने कोई फायदा नहीं है, जल्दी से गाड़ी में बैठ भाई, अभी फटाफट से हमें निकलना पड़ेगा यार मिलिट्री बेस के लिए। समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार यार ट्रेवर को कैसे बचा कर लाएंगे, क्योंकि यार जो मिलिट्री है मेरे को नहीं पता कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि जब से ये सीन हुआ है ना मैं मिलिट्री बेस तो एक बार नहीं गया, लेकिन मिलिट्री वाले बंदों को तो जरूर मार रहा है, तो मैं उन्हें मार सकता हूँ। तो चलो यार कोई नहीं, अभी फटाफट से काम करता हूँ, एक ढंग की ना गाड़ी वाड़ी का जुगाड़ करते हैं। गाइस यार आप लोग को
याद होगा अपनी एक जो बैटमैन एडिशन की कार थी जो कि अंडरवाटर माफिया की थी, वो मैंने एक जगह पर खड़ी करी थी। तो भी जल्दी से उसको लेकर आते हैं। तो गाइस यार ये जो नया वाला मिलिट्री कर्नल है ना, ये मुझसे बहुत बुरी तरह पिटेगा क्योंकि यार मैंने अभी तक अंडरवाटर माफिया का भी बदला नहीं लिया है। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक को भगाते भगाते लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा अपने रेंट वाले हाउस पर, जहां पर मैं अपनी पहले गाड़ियां खड़ी करा करता था। तो भी जल्दी से ना यहां पर इस हाउस के अंदर चलते हैं। वैसे हाउस के अंदर नहीं जाना, मैंने ना पीछे की तरफ जो गाड़ी खड़ी करी थी बैटमैन एडिशन की, उसको लेने के लिए अभी फिलहाल मैं यहां पर आया हूं। और गाइस यार अभी फिलहाल ये वाली जो मेरी बाइक है इसको मैं कहां पर खड़ा करूं? तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी ना फटाफट से एक काम करता हूं, यहां पर एक थोड़ी सी जगह है इसके अंदर मैं अपनी बाइक को खड़े कर देता हूं। पहले मैं अपनी ट्रोन बाइक की इधर खड़ा करता था, तो अभी फिलहाल ये वाली बाइक को मैं इधर एकदम शांति से खड़े कर देता हूं। कोई चोरी वोरी होने का वैसे डर तो है नहीं। तो चलो यार अभी ना जल्दी से यहां पर मैं अपनी बाइक से उतरता हूं और फटाफट से हम लोग अपनी यहां पर बैटमैन वाली जो कार है उसको लेकर जाने वाले हैं सीधा ट्रेवर को बचाने के लिए। और गाइस यार ये वाली जो कार है मैं इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि अगर कल को यहां पर भागना पड़े ना तो अपनी गाड़ी पूरी की पूरी बुलेट प्रूफ है, और सामने वाला अगर बंदे को मारने की बात करे तो भी ये वाली जो गाड़ी है बहुत ज्यादा तगड़ी है। तो भी जल्दी से मैं बैठता हूँ गाड़ी के अंदर। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम दोनों लोग इस गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल लेता हूँ। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो जो गाड़ी है ना कितनी ज्यादा खतरनाक लगती है, और वैसे जो गाड़ी है ना रोड पर अलाउड नहीं है। लेकिन गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर आज ना हमें किसी से भी डरने की बात है नहीं, जो भी सामने आकर चोना होगा उठाकर ही साइड फेंक देंगे उसको। तो अभी ना जल्दी से मैं निकल लेता हूँ सीधा इस गाड़ी को लेकर मिलिट्री बेस के लिए। वैसे यार जो हाईवे था वो पीछे था, फिर भी मैं यहाँ पर मेन रोड पर ले आया। चलो कोई नहीं, सीधा निकलते हैं हाईवे के लिए। बाकी यार यहाँ पर इस गाड़ी के जो आगे वेपन लगा हुआ है ना ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, 4 से 5 गोली में एक गाड़ी ब्लास्ट कर सकता है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर इतनी देर से तो मैं मजाक के मूड में था, लेकिन गाइस यार अभी ना मैं फिलहाल थोड़ा बहुत सीरियस हो जाता हूँ क्योंकि आप लोग को सामने की तरफ में नजर आ गया होगा कि मैं पहुंच चुका हूँ इस टाइम पर फोर्ट जोन को मिलिट्री बेस। और यार यहाँ पर ना भी अपनी गाड़ी को मैं थोड़ा सा आराम आराम से चलाने वाला हूँ क्योंकि यार अभी ना मैं नहीं चाहता कि कोई भी सीन यहाँ पर क्रिएट हो। एकदम सिंपली अपनी गाड़ी को आराम आराम से आगे लेकर चलते हैं। मिलिट्री बेस के अंदर नहीं जाऊंगा, मिलिट्री बेस के साइड का जो एरिया ना वहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर जाने वाला हूँ और पीछे वाले गेट से एंटर होगा ताकि किसी को कुछ भी मालूम ना पड़े, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये आ गया अपना मिलिट्री बेस। तो सबसे पहले तो मुझे इस वाले रोड से यहाँ पर आगे तरफ में राइट लेना पड़ेगा। और अच्छी बात तो है कि मुझे ना पूरा का पूरा मिलिट्री बेस का मैप भी मिल चुका है। पहले क्या होता था, मैं अंदाजा लगाना होता था कि यार मिलिट्री बेस में कहाँ से जा सकता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो इस तरफ में ना एक व्हाइट माउंटेन लायन जा रहा है, और यार बेचारा कितनी धीरे चल रहा है यहाँ पर पहाड़ी पर, और अपनी जो गाड़ी है इसकी स्पीड वैसे भी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं एकदम धीरे धीरे अपनी गाड़ी को आगे लेकर जा रहा हूँ किसी ऐसी जगह में जहाँ से मिलिट्री वाले मेरे को ना देख पाए। और वैसे भी मैं मिलिट्री बेस के बाहर हूँ तो वो लोग कुछ कहेंगे तो नहीं। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो सामने की तरफ में पूरा का पूरा मिलिट्री बेस हमें नजर आ रहा है, लेकिन इसमें ट्रेवर कहाँ पर है वो तो हमें नजर नहीं आएगा। उसके लिए हमें अंदर ही जाना पड़ेगा, पूरा का पूरा चेक करना पड़ेगा। और अगर मैं मेन गेट से अंदर जाऊँगा तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मेरे पास दो रास्ते हैं, पहला रास्ता ये है कि या तो मैं मिलिट्री गेट के बंदे मार के अंदर जाऊँ, लेकिन उससे ये भाई एक सेकंड की बजूका उसका कहाँ चल रही है भाई, मेरे को देख वेख लिया क्या, मेरे को कुछ तो यहाँ पर अभी गड़बड़ लगी। मतलब यार सामने की तरफ में ना दो बजूका चलिए बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट का साउंड आया। तो चलो अच्छी बात है इन्होंने मेरे को नहीं देखा, शायद से नॉर्मल ट्रेनिंग व्रेनिंग कर रहे होंगे। तो चलो हाँ गाइस यार मैं ये कह रहा था अभी दो रास्ते अंदर जाने के, पहला रास्ता यह क्या तो मैं मिलिट्री गेट के बंदे को मार के अंदर जाऊँ, उससे क्या होगा सबके सब बंदों को पता चल जाएगा और फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये रास्ता तो पूरा बेकार है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो इस तरफ में एक हेलीकॉप्टर है जो कि पूरे पूरे मिलिट्री बेस को ना स्काउट करते रहता है कि ऊपर से तो कोई नहीं आ रहा। आपको याद होगा एक बार मैं शायद प्लेन से आता तो मेरे बहुत ज़्यादा गोलियाँ पड़ने लग गई थी। और ये गाड़ी उल्टी कैसे होगी इसकी, ऐसी की तैसी, प्लीज सीधी हो जा भाई, अभी मेरे को ड्राइवर को बचाना है यार, इसका अलग ही सीन है यार। एक सेकंड प्लीज सीधी हो जा, इतनी तगड़ी गाड़ी मैं मानता था इसको। तो चलो गाइस यार फाइनली यहाँ पर ये जो गाड़ी है ना पूरा का पूरा पहाड़ उतर कर यहाँ पर नीचे आ गया है। और गाइस यार ये जिस तरीके से नीचे गिरी है ना, मेरे को उसके बाद एक बहुत ज्यादा मस्त आइडिया मिल गया मिलिट्री बेस के अंदर एंटर होने का। और इस वाले तरीके से ना मैं 100% श्योर हूं मैं मिलिट्री बेस के अंदर जा सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है ना गाइस, बहुत ज्यादा लंबी जंप लगानी पड़ेगी, और अगर ये जंप सही जाती है तो मैं सीधा मिलिट्री बेस के अंदर मिलूंगा। उसके लिए तेरी ऐसी की तैसी, यहाँ पर भाई इनको एक चैन नहीं है। अभी फटाफट से मैं अपनी गाड़ी यहाँ पर मोड़ता हूँ। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी को रोड पर एकदम परफेक्ट सेट कर लिया है, बस आगे की तरफ से कोई भी गाड़ी ना आए। और अब मुझे कुछ नहीं करना, बस अपनी गाड़ी को यहाँ पर भगाता हुआ ले जाना है। और एकदम जंप परफेक्ट लगी तो आने वाले 2 सेकंड में मैं मिलिट्री बेस के अंदर मिलूंगा। प्लीज एकदम परफेक्ट, ओ भाई ओपी। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं मिलिट्री बेस के अंदर एंटर हो चुका हूँ। और गाइस यार अच्छी बात तो है कि यहाँ पर ना मेरे को किसी ने देखा भी नहीं। अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को, ओ एक सेकंड सामने की तरफ में ना एक यहाँ पर मिलिट्री वाला
बंदा जा रहा है उसको ना पहले जाने देते हैं। अच्छा हुआ कि यार इन लोगों ने मेरे को देखा नहीं। अभी ना सबसे पहला काम जो मुझे करना है, मुझे अपनी गाड़ी को छुपाना है। और अभी ना गाइस राइट से एक प्लेन उड़कर गया भाई। अच्छा हुआ कि इसने भी मुझे नहीं देखा भाई। अगर ये लोग देख लेंगे ना तो अभी उतर के मारेंगे। और उस तरफ से एक जेट उतर कर आया है भाई। यहाँ पर ये मिलिट्री वालों को क्या हो गया, एक प्लेन उड़ रहा है, एक उतर रहा है, गाड़ियाँ जा रही हैं भाई। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया गाइस यार इस टाइम पर सिक्योरिटी। तो अभी ना फिलहाल यहाँ पर अपनी गाड़ी को मैं इधर ही पार्क कर दूँ। नीचे से गाड़ियाँ तो नहीं आती ना, पता चला यहाँ पर भी गाड़ियाँ चलती हों। वैसे चलती तो हैं गाड़ियाँ, ऐसा तो है नहीं कि बेमतलब इन्होंने पानी बहने के लिए बना रखा है। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा आगे लेकर आ चुका हूँ। गाइस यार मेरे हिसाब से इधर मिलिट्री वाले बंदे तो होंगे, लेकिन गाइस यार इधर कोई है नहीं। तो भाई जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ। वैसे यार ये लोग अगर गाड़ी देखेंगे तो पहचान ही जाएंगे कि कोई गड़बड़ वाली गाड़ी है, लेकिन अगर इनका इधर ध्यान नहीं गया तो बहुत ज्यादा सही रहेगा। तो भी जल्दी से ना मैं इस तरफ में छुप जाता हूं। तो गाइस यार यहां पर ना दो दो तीन तीन फायर ब्रिगेड खड़ी हुई है, और अगर मैं इन गाड़ियों के अंदर बैठता हूं तो पुलिस वाले मेरे को ना अच्छे से पहचान नहीं पाएंगे। जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह स्काउट कर रहे हो, वो देखो सामने की तरफ से अभी अभी एक हेलीकॉप्टर उड़ा है भाई। ये क्या सीन हो गया, पहले जब मैं आता था ना मिलिट्री बेस कुछ भी नहीं होता था, और अभी एक हेलीकॉप्टर उड़ा है। अभी ये उड़ा है कि वापस उतर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। और उस तरफ में एक हेलीकॉप्टर और है जो कि काफी देर से मतलब स्काउट तो वो हमेशा करते ही रहता है। तो पहले ना इस वाले हेलीकॉप्टर को यहां से जाने देते हैं, फिर देखते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, ट्रेवर को हम लोग कहां पर ढूंढेंगे, सब कुछ चेक करना है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर ये वाला जो हेलीकॉप्टर है वो उड़कर जा चुका है। तो जल्दी से मैं काम करता हूं, फटाफट से ये वाली जो फायर ब्रिगेड है ना इसके अंदर बैठता हूं। और गाइस यार ये जो पीछे की तरफ में आप लोग देख पा रहे हो ना, ये पूरा का पूरा फोर्ट जोन का फायर स्टेशन है। मतलब यार मिलिट्री बेस के अंदर आग वाग भी वैसे लगते ही रहते हैं, इसलिए यहां पर इतनी ज्यादा एंबुलेंस है। तो फ्रैंकलिन जल्दी से बैठ। और गाइस यार अभी मेरे को क्या करना है, कहां पर जाना है मेरे को समझ नहीं आ रहा। सामने की तरफ में गाइस यार ये वाला जो वेयर हाउस है, ये जहां तक मुझे याद है ना हमेशा खुला रहता था, लेकिन गाइस यार आज इसका गेट बंद हो रखा है, पता नहीं यार ऐसा क्यों है। तो चलो यार कोई नहीं, भी जल्दी से मैं एक बार अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ट्रेवर इसी के अंदर हो सकता है, क्योंकि जब तक मैंने इस जगह को देखा ना ये हमेशा खुली रहती थी, लेकिन गाइस यार आज ये बंद है। और मिलिट्री वाले ओ, 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 मैं बात ही कर रहा था कि मिलिट्री का एक भी बंदा नजर नहीं आ रहा, और सामने की तरफ में दो बंदे जा रहे हैं। तो अभी ना मैं अपनी गाड़ी को उस जगह से ले जाऊंगा जहां पर मिलिट्री वाले नहीं होते। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल वहां से तो मैंने अपनी गाड़ी बाहर निकाल ली है, लेकिन गाइस यार मेरे आगे ना एक टैंक चल रहा है, और अगर इसने मेरी शक्ल देख ली ना तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन गाइस यार मेरे को नहीं लगता कि ये लोग मेरी शक्ल देख पाएंगे, क्योंकि यार अभी ना फिलहाल मैं इनसे बहुत ज्यादा दूर हूँ। अंदर की तरफ में भी काफी सारे बंदे हैं, और एक टैंक है, और यहाँ पर एक बंदा तो बगल में ही खड़ा हुआ है। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर राइट मोड़ता हूँ। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में देख पा रहे हो, काफी सारे यहाँ पर सोल्जर्स खड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे अपनी गाड़ी को आगे नहीं ले जाना चाहिए, और ये ना सारे के सारे ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन गाइस यार अगर अभी मेरे को ट्रेवर को ढूंढना है तो मुझे अपनी गाड़ी को आगे ले जाना ही होगा। और यार ये लोग ना अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे कि आखिरकार इस गाड़ी में बैठा कौन है। फिलहाल इनसे मैं थोड़ा बहुत दूर रखूंगा ना तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलो यार बहुत सही, मतलब कि हर जगह भाई इनकी ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग चल रही है। सारे के सारे बंदे अपना बॉडी बॉडी बनाने में लगे पड़े हैं, और सोल्जर्स बहुत सारे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा आखिरकार ट्रेवर किधर होगा। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं काफी देर से अपने फायर ट्रक को चला रहा हूँ, और जगह जगह जाकर ढूंढ रहा हूँ कि आखिरकार ट्रेवर कहाँ पर है। लेकिन गाइस यार ट्रेवर का अभी तक तो कोई भी अता पता नहीं है। एक काम करता हूँ, इस तरफ में ना कुछ घास फूस है, इसको पानी दे देता हूँ ताकि ये लोग भी और तेज ग्रो हो, इनका भी कुछ भला हो जाए। तो चलो गाइस यार यहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे, कितना मजा आ रहा है यार यहाँ पर फायर ट्रक से पानी डालने में। वैसे ही आग बुझाने के लिए होता है, लेकिन पानी डालने का मजा अलग है। और गाइस यार एक सेकंड, यहाँ पर ना अंदर से मुझे डॉग की बार्किंग का साउंड आ रहा है। एक मिनट यहाँ पर कुछ तो अलग सीन है, मेरे हिसाब से मुझे उतरना नहीं चाहिए। तो चलो गाइस यार पहले ना मैं इस गाड़ी को यहाँ से जाने देता हूँ। एक गाड़ी चली गई थी, एक गाड़ी अभी अभी और आई है, जब ये चले जाएगी ना उसके बाद यहाँ पर मैं उठूंगा। भाई साहब यहाँ पर इतनी सारी गाड़ी को जा रही है, इनकी परेड वरेड स्टार्ट हो रही है क्या? पीछे की तरफ से ना अभी यहाँ पर कुछ सायरन सा भी बजा है। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना फिलहाल यहाँ से दोनों गाड़ियाँ जा चुकी है। अभी ना फिलहाल मैं एक बार अंदर की तरफ में झांक कर देखता हूँ। अंदर की तरफ में कुछ मिलिट्री वाले तो मेरे को नजर आ रहे हैं, लेकिन यार सब कुछ एकदम ब्लर ब्लर दिख रहा है, कुछ भी ढंग से नजर नहीं आ रहा। कुछ डॉग्स हैं, एक सेकंड रुक जाओ, और यहाँ पर ना एफपीपी में मैं कर देखता हूँ, क्या पता अब मेरे को कुछ सही से नजर आए। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, सामने की तरफ में कुछ मिलिट्री वाले और ट्रेवर भी सामने ही बैठा हुआ है, और इधर तो मिलिट्री कर्नल भी है जो कि उससे कुछ पूछताछ कर रहा है। और मैं कंफर्म हूँ कि ये इससे नॉर्थ एंगटन के बिग माफिया के भाई के बारे में ही पूछ रहा है। लेकिन गाइस यार ट्रेवर को उसने मना करा था कि कुछ भी नहीं बताना, लेकिन अब पता नहीं यार ट्रेवर बताएगा नहीं बताएगा। अब गाइस यार ये जो गेट है ना यार, ये गेट बहुत ज्यादा बड़ा है, और ऊपर से ना एक तो मुझे इधर से कुछ नजर भी नहीं आ रहा, अंदर कितनी सिक्योरिटी है मुझे चेक करना पड़ेगा, और ये जो गेट है कहाँ से खुलेगा मुझे ये भी देखना पड़ेगा। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना पीछे मैं अपने यहाँ पर इस वाले फायर ट्रक को पीछे लेकर चलता हूँ, और एक काम करता हूँ इसको ना आराम से मैं इस तरफ में पार्क करता हूँ। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर एकदम आराम से मैं इसको पीछे लेकर जाने वाला हूँ, और कुछ इस तरीके से इसे पार्क करूंगा कि ताकि अगर मैं अंदर जाऊँ तो कोई भी मिलिट्री वाला मेरे को देख ना पाए, और अगर बाय चांस देख ले तो मैं उससे फाइट भी ले पाऊँ, वो भी कवर लेकर। तो अभी
अभी तो फिलहाल मेरे को नहीं लगता कि मुझे कोई भी दिक्कत आने वाली है। फिलहाल यहाँ पर से ना इस वाले वेयर हाउस के मैं ऊपर जाता हूँ। और गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, नीचे आपको ट्रेवर नजर आ रहा होगा। और इधर ना ज्यादा नहीं, कुछ मिलिट्री वाली है, ज्यादा नहीं है, और तीन गाड़ियां हैं। और गाइस उधर मिलिट्री कर्नल है। और ये जो ग्लास है ना, ये ग्लास मेरे हिसाब से बुलेट प्रूफ होंगे, और अगर मैं गोली चलाऊंगा तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए अभी ना मैं बिल्कुल भी गोली नहीं चलाने वाला। और यार सामने की तरफ में मिलिट्री वालों की गाड़ियां जा रही है, मुझे यहाँ से उतरना पड़ेगा। भाई मैं ऐसे ट्रेवर को नहीं बचा सकता, क्योंकि अगर मैं गोली चलाता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि ग्लास बुलेट प्रूफ हो और गोली उसके लगी ना, और उल्टा वो लोग ट्रेवर को मारते हो, तू अलग ही नशे में भाई, ये नीचे आके गिर गया। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम दोनों लोग अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। और गाइस अभी ना मैं ये चीज सोच रहा हूँ कि आखिरकार मैं इस वेयर हाउस के अंदर कहाँ से जा सकता हूँ। तो गाइस देखो, अगर अभी मैं इस एरिया में थोड़ी देर तक और रुका रहा ना तो फिर बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करता हूँ, अपने ट्रक को लेकर ना मैं निकल लेता हूँ सीधा पीछे की तरफ में, क्योंकि गाइस इन लोग का भी कुछ भरोसा नहीं है कब मैं ये लोग यहाँ पर से निकलने लग जाए। और अगर ये लोग निकलेंगे ना तो ये मेरे को डायरेक्टली देख लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर काफी ज्यादा पीछे आ चुका हूँ। और यहाँ पर ना ऊपर बैठकर मैं इन पे ध्यान रखूंगा कि आखिरकार ये कहाँ पर जाते हैं और क्या हरकतें कर रहे हैं। तो पीछे की तरफ में ना एक सीढ़ी है, जल्दी से ना अपने ट्रक को मैं यहाँ पर खड़ा करता हूँ। इधर सिक्योरिटी बहुत कम है, ये बैक साइड है, लेकिन गाइस कैमरे वगैरह लगे हुए हैं तो थोड़ा बहुत हमें संभल के रहना पड़ेगा। बाकी तो यार यहाँ पर हमने मास्क वगैरह लगा रखा है तो इनको उतना हमारे ऊपर शक नहीं जा रहा है। इनको लग रहा हो कि हम लोग यहाँ के वर्कर हैं, बट इन्हें ये नहीं मालूम कि ये माइकल है। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं काफी देर से खड़े होकर उन लोग का वेट कर रहा हूँ कि कब वो लोग वेयर हाउस से बाहर निकलेंगे और कब मैं ट्रेवर को बचाकर यहाँ से जाऊंगा। लेकिन गाइस अभी तक वो बाहर नहीं निकले। और अभी ना गाइस मुझे लेस्टर का मैसेज आया था, लेस्टर कह रहा है जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मिलिट्री बेस से बाहर हो जाओ, क्योंकि गाइस ये जो न्यू मिलिट्री कॉलोनी है ना, इसने यहाँ पर पूरी की पूरी सैन एंड्रियास में लॉकडाउन अनाउंस कर दिया आज के लिए, ताकि ये ना ट्रेवर को जहां पर भी ले जाना चाहता है ना एकदम आराम से ले जाए। तो अभी ये जो काम है ना मैं नहीं होने दूंगा। लेस्टर ने मेरे को बोला कि जल्दी से बाहर निकल जाओ, क्योंकि सीधी सी बात है अगर लॉकडाउन एक बार हो गया ना तो कोई भी गाड़ी ना अंदर आएगी ना बाहर जाएगी। तो भी जल्दी से मेरे को मिलिट्री बेस से तो बाहर निकलना ही है। और फिलहाल ये जो लॉकडाउन है ना आने वाले 15 से 20 मिनट में होने वाला है बस स्टार्ट। तो भी जल्दी से मुझे अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से जाना होगा बाहर सबसे पहले तो, और बाहर जाकर ही मैं इनका वेट करने वाला हूँ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को नीचे लेकर आ चुका हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो सामने की तरफ में गार्ड खड़ा हुआ है ना वो मेरे को पहचान ले, मतलब कि पहचान तो पाएगा नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि उसे मालूम पड़ जाए कि हम लोग मिलिट्री के आदमी नहीं है। फिलहाल यहाँ पर कोई भी गार्ड अगर हुआ तो देख ही जाएगी इसकी ऐसी की तैसी। अंदर पानी डाल दिया मैंने, वैसे वो अंदर था, अच्छा हुआ कि उसे कुछ भी पता नहीं चला, मैंने उसके ऊपर पानी डाला और फटाफट यहाँ से मैं निकल गया हूँ। सामने की तरफ में यार तीन चार गाड़ियाँ राउंड मार रही है। मेरे हिसाब से गाइस जो लॉकडाउन है ना वो स्टार्ट हो चुका है। अभी एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर मैं राइट में मोड़ देता हूँ बहुत ज़्यादा आराम से। यार इस तरफ में तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही है, और ये देख लो भाई अगर एक भी बंदे ने यहाँ पर हमारी गाड़ी देख ली ना तो गड़बड़ हो सकती है। और इस तरफ में एक छोटा सा तालाब है भाई, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो चलो गाइस यार ये जगह ना मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगी। और पुलिस वुलिस आप लोग देख पा रहे हो रोड पर घूम रही है, जितने बंदे बाहर घूम रहे हैं ना सबको अंदर करवा रही है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल अपने लिए मैंने एकदम बेस्ट जगह ढूंढ लिया है, थोड़ी देर मैं यहीं पर बैठने वाला हूँ। क्योंकि गाइस यार अभी ना मुझे कुछ नहीं मालूम कि आखिरकार जो मिलिट्री वाले हो किस तरफ जाने वाले, राइट जाएंगे लेफ्ट जाएंगे, इसलिए ये वाली जो जगह है ना यहाँ पर बैठ जाता हूँ। अगर राइट जाएंगे तो भी मेरे को नजर आ जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे तो भी नजर आ जाएंगे। तो थोड़ी देर ना गाइस यहीं पर बैठते हैं, और अभी ये थोड़ी देर में गाड़ियां भी बंद होने वाली है। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर बैठे बैठे काफी ज्यादा देर हो गई, और गाइस अभी तक ना कोई भी गाड़ी यहाँ पर नहीं आई है मिलिट्री बेस की तरफ से। और जहां तक मैंने उनकी बात सुनी थी मेरे हिसाब से ना वो 15-15 मिनट में निकलने वाले थे। तो चल भाई फ्रैंकलिन जल्दी से आगे गाड़ी में बैठ। गाइस मेरे को लग रहा है कि मैंने गड़बड़ कर दी। गाइस ये वाला जो गेट है ना ये बैक साइड है मिलिट्री बेस की, और वो वाला जो गेट है वो निकलता है हाईवे पर। तो भी जल्दी से मैं उस साइड पर चलता हूँ और देखते हैं क्या सीन है। बाकी यार देखो लॉकडाउन स्टार्ट होती है यहाँ पर रोड पर गाड़ियां नजर नहीं आ रही। बाकी यार मेरी जो है वो तो मतलब एक टाइप से ऑथोराइज व्हीकल है, यहाँ पर ये फायर ब्रिगेड है तो मेरे हिसाब से इसको कोई भी रोकने नहीं वाला। बाकी एक बार फिर भी आगे चलकर देख लेते हैं क्या सीन है, अगर रोकेंगे तो हम लोग साइड से जाने वाले हैं, कौन सा हम लोग वहाँ पर रुक जाएंगे। तो भी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर आगे लेकर चलता हूँ। अच्छी बात तो यह कि रोड पूरे के पूरे खाली पड़े हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से मैं अपनी फायर ब्रिगेड को ना यहाँ पर आगे लेकर चलता हूँ। और गाइस यार यहाँ पर से ना मुझे मिलिट्री वालों की गाड़ियों के ना सायरन का साउंड आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, अपना जो फायर ट्रक है ना इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना यहीं पर साइड में रोक देता हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लोग अभी अभी में ही बाहर आ रहे हैं। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो सामने की तरफ से ना पुलिस वालों की एक बाइक मेरे को आती हुई नजर आई है, और पीछे की तरफ में ना कुछ गाड़ियां थी। अब जहां तक मुझे लग रहा है ना ये गाइस यार सारी की सारी उन्हीं लोग की गाड़ियां जिसमें ये लोग ट्रेवर को ले जा रहे हैं। ओ भाई साहब यहाँ पर तो काफी सारी गाड़ियां हैं, मुझे ना पीछे हो जाना चाहिए। और ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं अभी कुछ नहीं मालूम। बाकी अभी ना मैं बस इनका पीछा करते करते इनके साथ जाने वाला हूँ। और गाइस यार ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हो ना, ये गाड़ी मेरे को थोड़ी यूनिक सी लग रही है, और शायद से ना ट्रेवर इसी के अंदर होगा। तो चलो गाइस यार अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर एक बार गाड़ी देख लेता हूँ कितनी
नहीं है फिलहाल। अभी आगे भी काफी सारी गाड़ी चली गई भाई, बहुत सारी गाड़ियां हैं और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, मतलब कि हर गाड़ी के साइड साइड में दो दो बंदे लटके हुए हैं और अंदर भी उतने ही बैठे होंगे मेरे हिसाब से। तो चल भाई फ्रैंकलिन जल्दी से बैठ। सबसे पहले तो ना मुझे इन लोग को ओवरटेक करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस यार मुझको ना थोड़ा बहुत प्लान बनाना है कि आखिरकार मैं इनको मारूंगा कैसे। फिलहाल जो सिक्योरिटी थी वो तो मैंने देख लिया है, और यार ये जो फायर ब्रिगेड है ना भाई, ये मरवाएगी, इतनी ज्यादा बेकार है ना गाइस यार, मेरे को एक ढंग की कार चाहिए होगी पहले तो। क्योंकि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैंने अपनी फायर ब्रिगेड को नीचे की तरफ में उतार दिया है, और गाइस यार अभी ना इन लोग को मैं थोड़ा बहुत आगे जाने देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मेरे को देख लें और मैं बेमतलब में फंस जाऊँ। वैसे तो यार ये लोग ना अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्लो चला रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से देख पा रहे हो भाई किस तरीके से ये लोग लॉकडाउन करवा के आगे जा रहे हैं भाई, मतलब यार बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं अपने फायर ट्रक को भगाते भगाते कुछ ज़्यादा ही उल्टे सीधे रस्ते से आगे लेकर आ चुका हूँ, और गाइस यार इस तरफ में से ना मेरे को सायरन का साउंड कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। तो भी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को एकदम पीछे ले आ चुका हूँ, तो भी जल्दी से चलते सीधा आगे। और जहाँ तक मुझे पता है यार गाड़ियाँ यहीं पर खड़े तो रहती है, फिलहाल सामने की तरफ से जो मिलिट्री वाले हैं वो आ ही रहे हैं। अभी फटाफट से ना अपनी गाड़ी को यहाँ पर मैं पीछे लेकर चलता हूँ, क्योंकि अगर इन लोगों ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अभी फिलहाल मेरे को अपनी गाड़ी से उतरना पड़ेगा, इन लोग को पहले जाने देता हूँ। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, फुल मजे में ये लोग जा रहे हैं आगे ध्यान रख के। और गाइस यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर इस टाइम मैं इनसे फाइट करूंगा तो यार ये लोग ट्रेवर को पहले मारेंगे या मेरे को पहले मारेंगे कुछ नहीं मालूम। बाकी यार अभी ना एक गाड़ी मेरे को नजर नहीं आई, गेरी इसी गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसी गाड़ी के अंदर शायद से ट्रेवर है, क्योंकि इस गाड़ी को ना पहली बार तो सेंटर में रखा गया है। तो जल्दी से फ्रैंकलिन गाड़ी पे बैठ। और बाकी यार अभी ना फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बोला था, बाइक यहाँ पर होती है क्योंकि जो लॉस गैंग के बंदे हैं ना वो अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं, तो अभी फिलहाल उन्हीं में से किसी की बाइक होगी। अभी फिलहाल ये वाली जो बाइक है ना मेरे को मिल गई है। अब यार ये जो बंदे ना पता नहीं कहाँ पर जाना चाह रहे हैं, तो जल्दी से ना मैं इनका पीछा तो नहीं कर रहा, बाकी यार अगर मैं ऊपर से जाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी, मेरे को रोड से ही जाना पड़ेगा। इनको ना ओवरटेक करके निकलूँगा, वो भी चुपचाप से, ठीक है, क्योंकि यार इधर बहुत ज़्यादा बड़ा माउंटेन है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग ना आगे जाकर रुक गए हैं। अब यार ये लोग मेरे को उतर के देखने ना लग जाएं, इसलिए अपनी गाड़ी को ना मैं थोड़ा सा साइड खड़ा कर लेता हूँ। और जहाँ तक मुझे देखने में लग रहा है इन्होंने अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर इस वाले पहाड़ पर चढ़ा दी। भाई क्या बात कर रहे हो, ये लोग फिर से नहीं, माउंट शिलाड का रास्ता नहीं है गाइस यार, माउंट शिलाड का जो रास्ता है वो तो आगे वाला है, ये पीछे वाले रास्ते पर इन्होंने अपनी गाड़ियाँ क्यों चढ़ाई है। अभी जल्दी से मैं आगे चल कर देखता हूँ, मेरे को पता नहीं ऐसा देखने में लगा कि ये लोग ना ऊपर की तरफ में गए हैं, जहाँ तक मेरे को देखने में लगा था वो तो यही था। हाँ गाइस ये देखो इनकी गाड़ियाँ ना यहाँ पर ऊपर की तरफ में मुड़ रही है। अभी जल्दी से मैं पहले अपनी गाड़ी साइड करता हूँ, और यार अभी ना मेरे को इनसे पहले ऊपर पहुँचना होगा, और जो आप सामने टावर देख पा रहे हो ना, मेरे हिसाब से ये लोग वहीं पर जा रहे हैं। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, इनके पहुँचने से पहले ना वहाँ पर मैं पहुँचूंगा। अभी पहले इनको मैं निकल जाने देता हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ी में, कोई नहीं अभी फटाफट से इनके सारे ट्रक निकलेंगे ना तो मैं डायरेक्टली वहाँ पर जाने वाला हूँ। ये तो अपना घूम घूम के आएंगे पूरा रोड के हिसाब से, लेकिन यार मैं जाऊँगा सीधा माउंटेन पर। और यार अगर एक ऑफ रोड बाइक मेरे को मिल जाती ना तो फिर बहुत ज़्यादा मज़ा सा आ जाता। फिलहाल यहाँ पर एक रास्ता है, तो जल्दी से ना इस वाले रास्ते से मैं ऊपर जाने वाला हूँ। बस यार ये जो रास्ता है ना मेरे को उस जगह तक पहुँचा दे जैसे तैसे कर। बाकी तो यार जगह बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और ऊपर से मेरी जो बाइक है ना एक टाइप से हाईवे के लिए बनी है स्पेशली, मतलब ये हार्ले डेविडसन टाइप है, तो यहाँ पर ढंग से चल नहीं पा रही, लेकिन फिर भी आ गए हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऊपर। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, इधर की तरफ की जो रोड है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार पुलिस वाले अपनी गाड़ी को ऊपर लेकर कैसे आएंगे। अब बाकी यार देखो उनको एक्सपीरियंस होता है वो ले भी आएंगे, लेकिन गाइस यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इधर है क्या, वो लोग इस तरफ से ऊपर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि गाइस यार यहाँ पर देखो एक ही रास्ता है, तो मेरे हिसाब से उन्हें आना तो यहीं पर पड़ेगा। बाकी यार अभी थोड़ा सा और आगे चल कर देखता हूँ, क्या पता यहाँ पर और कोई जगह मेरे को देखने को मिल जाए मिलिट्री वालों की। अभी तो फिलहाल यहाँ पर ना एक रास्ता लेफ्ट को जा रहा है, और गाइस यार ये वाला रास्ता ना वही माउंट शिलाड के सीक्रेट टनल के लिए जाता है, लेकिन गाइस यार मेरे को लगता है मिलिट्री वाले वहां पर दोबारा जाने वाले हैं। और इस तरफ में ये जो जगह काफी ज्यादा यूनिक सी है, ऊपर की तरफ में एक बंदा खड़ा हुआ है, तो अभी जल्दी से अंदर जाऊं क्या? तो गाइस यार अभी ना फिलहाल मेरे को लग नहीं रहा कि अंदर जाना ठीक रहेगा, क्योंकि गाइस यार यहां पर ना ये एक टाइप से वॉच टावर है, और ये ध्यान रख रहा है इस जगह का ताकि कोई अंदर ना आए, और उसके पीछे ना एक ऊपर टैंक है तो वो भी ध्यान रख रहा है, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि मिलिट्री वाले इधर ही आएंगे। फिलहाल ओ भाई साहब यहां पर मैंने गेट तो खोल दिया, लेकिन गाइस यार इस तरफ में तो काफी सारे नंगे पुंगे हैं जो कि भाई बेमतलब मेरे से भिड़ना चाह रहे हैं। आते यार इन्होंने मेरे बेमतलब गोलियां बजाई है, और गाइस यार ये जगह तो थोड़ी बहुत खतरनाक है, सामने की तरफ में भी कुछ बंदे बैठे हैं, और यहां पर गाइस यार अभी ना मैं इनको छोड़ने नहीं वाला बिल्कुल भी, भाई बहुत सारे बंदे इधर, फ्रैंकलिन मार इनको बहुत बुरी तरह। मतलब यार ये जो जगह है ये मैं पहली बार आ रहा हूँ, और ये लोगों ने अपना अड्डा किस लिए बना रखा है, मेरे को मार किस ले रहे हैं मेरे को समझ भी नहीं आएगा। मतलब यार इधर ना एक भी जवान बंदा नहीं है, सारे के सारे बुड्ढे ही बुड्ढे और बेमतलब में लड़ाई कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, अगर इनका लड़ने का मन है तो इनका भी हम लोग मुंह तोड़ देते हैं, हमारा क्या जा रहा है। तो चलो भाई यहाँ पर 7-8 बंदे थे, इन सबको तो हमने मार दिया। और गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो सामने एक मिलिट्री वालों का हेलीकॉप्टर खड़ा है, यानी कि मिलिट्री वाले अब तो 100% यहीं पर आने वाले हैं। तो अभी ना फिलहाल मेरे हिसाब से उनको इस चीज़ के बारे में तो नहीं पता चला होगा, क्योंकि मैंने तो सप्रेस्ड फायर करा है, तो वैसे भी वो लोग थोड़ा बहुत दूर हैं। तो
जल्दी से ना यहाँ पर जो अपनी गाड़ियाँ हैं, अपनी गाड़ी को गाड़ी यानी अपनी एक ही गाड़ी है, तो जल्दी से ना मैं अपनी बाइक को यहाँ पर साइड लगाता हूँ ताकि मिलिट्री वाले आए तो उनको मेरी बाइक ना दिखे। और गाइस यार जैसे ही वो लोग आएंगे ना वैसे ही मैं उनको मारना शुरू कर दूंगा। और गाइस यार हमें ना सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है ट्रेवर वाले टैंक पे, मतलब कि जिस टैंक के अंदर ट्रेवर है ना उस पर गोलियाँ नहीं लगनी चाहिए। और गाइस यार इधर ना कुछ अजीब सा साउंड बज रहा है। ओ भाई साहब पीछे की तरफ में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ये शायद से ना किसी बॉम्ब का। ओ भाई यहाँ पर एक सेकंड और बंदे आ गए। ओ भाई ये क्या सीन है तुम्हारी, ऐसी की तैसी किसी को नहीं छोड़ूंगा भाई। अभी अभी बस मैं वेपन्स उठाने ही जा रहा था तो अभी इन घरों से ना काफी सारे और भी बंदे निकले। भाई यहाँ पर पुलिस वाले आ गए ना तो उनको पहले ही पता चल जाएगा। मेरे को लग रहा है ना ये मिलिट्री वालों ने बंदे रखे हुए थे अपने आप की सेफ्टी के लिए। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर पीछे की तरफ में एक बंदा बचा हुआ है, जल्दी से ना मैं इसका भी खेल खत्म करके आता हूँ। जरा अभी गंजे तेरे को क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ पर हम लोग अपने दोस्त को बचाने आए हैं, इनसे देखा नहीं जा रहा। भाई मेरे को पता है क्या लग रहा है कि मिलिट्री वालों ने इन्हें रखा होगा अपनी सिक्योरिटी के लिए, मतलब देखभाल करने के लिए कि अगर कोई आए तो इन्हें बता देना। वैसे यहाँ पर जितने भी बंदे हैं मेरे को तो नहीं लगता कोई भी बता पाएगा क्योंकि इनके शुरू होने से पहले ही हमने इनको खत्म कर दिया। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल साइड चलकर फ्रैंकलिन और मैंने पूरा का पूरा प्लान बना लिया कि आखिरकार हम लोग क्या करने वाले हैं। तो गाइस यार देखो ये चीज तो कंफर्म हो गया कि मिलिट्री वाले यहीं पर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे उनके जितने भी टैंक्स हैं जितनी भी गाड़ियां सब पे गोलियां ही गोलियां बरसा देंगे। लेकिन जो ट्रेवर का टैंक है सबसे पहले हमें सेव करना है, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेवर के टैंक में आग लग जाए और फूट जाए और ट्रेवर मर जाए, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। हमें सबसे पहले ट्रेवर को बाहर निकालना है और इस टाइम पर ना वो थोड़ी खराब हालत में है तो उसे गन्स वगैरह देनी पड़ेगी ताकि वो भी फाइट कर पाए। तो भी जल्दी से ना अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं क्योंकि गाइस यार मेरे हिसाब से ना वो लोग आते होंगे। फिलहाल इस तरफ में ना काफी सारे गन्स वगैरह सब कुछ है तो हमें किसी चीज की कमी नहीं पड़ने वाली। जल्दी से ना यहाँ पर मैं ऊपर चढ़कर बैठ जाता हूँ और उनके ना आने का वेट करता हूँ। इधर भी बहुत सारी वेपन क्रिएट है। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर बैठे बैठे मेरे को भी काफी ज्यादा देर होगी और गाइस यार फाइनली अब जाकर यहाँ पर मेरे को पुलिस वालों की गाड़ियों का साउंड आया। और यार अब इन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इनसे फाइट ही नहीं लेनी चाहिए। भाई ये काफी सारे लोग हैं और यहाँ पर इन्होंने अपनी गाड़ी साइड में पार्क कर रहे हैं। एक मिनट चलो जाने दो जाने दो। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो फाइनली ये सारे के सारे लोग अपनी गाड़ियां लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और गाइस यार अभी ना फिलहाल एक बंदा यहाँ पर गाड़ी से उतर गया है, उस शायद से ना ये पैदल अंदर जाकर चेक करने वाला है पूरी की पूरी चीज। और बाकी के जो बंदे ना मेरे हिसाब से वो एक एक कर कराएंगे। फिलहाल अभी तो ये काफी ज्यादा आगे जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मेरे को देख लें और अगर इन्होंने देख लिया तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और यार अभी ना वो वाली गाड़ी मेरे को नजर नहीं आ रही आखिरकार कहाँ पर है। और बाकी यार यहाँ पर शायद से ना इसने इसकी बोडियां देख ली, इसकी ऐसी की तैसी, यहाँ पर इसको मारो। और अभी जितने भी पीछे वाले बंदे ना सारे के सारे मरने वाले हैं। और उधर की तरफ में ना गाइस यार ट्रेवर जिस गाड़ी में वो वाली गाड़ी वहीं पर खड़ी है, तो चल भाई फ्रैंकलिन तू इनको मार। और अपना प्लान यही था कि बस ना इनका ध्यान भटकाना है। और गाइस यार पीछे वाले पे भी गन है, निकल यहाँ से तेरी ऐसी की तैसी। यहाँ पर गाइस यार इसको भी मैंने मार दिया। अभी ना जल्दी से एक बारी मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ और फटाफट से ना गाइस यार मैं उस साइड पर जाने वाला हूँ, ट्रेवर की गाड़ी के पास जाना है गाइस यार बस मेरे को। और यार ये लोग तो बहुत ही बुरी तरह मेरे गोलियां मार रहे हैं। अभी यहाँ पर है काफी सारे बंदे, एक सेकंड, सारे के सारे बहुत बुरी तरह पिटने वाले हैं। जितने मर्जी आ जाओ गाइस कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी फिलहाल इनको बहुत ही बुरी तरह हम लोगों ने लपेट लिया है, मतलब कि इनको ना सोचा भी नहीं होगा इन लोगों ने कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इनको लग रहा था इन्होंने अपने बंदे जो यहाँ पर रखे हुए हैं ना वो इन्हें बचा लेंगे, लेकिन गाइस यार हमने उनको भी मारा और ये भी पिटने वाले हैं। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर देखते ही देखते काफी सारे मिलिट्री सोल्जर्स तो थे, लेकिन गाइस यार अभी ना काफी सारे स्वैट सोल्जर्स भी आ चुके हैं। और गाइस यार अभी ना मैं इन लोग को बहुत ही बुरी तरह मारने वाला हूँ वरना गाइस यार ये लोग हमारा मुंह तोड़ देंगे। यार इधर तो बहुत सारे हैं, ऊपर से दो दो तीन तीन हेलीकॉप्टर एक साथ। ओ भाई यार मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, भाई मेरे को ना जल्दी से अंदर जाना पड़ेगा वरना यार ये लोग बहुत ही बुरी तरह हमें मार के यहाँ से फेंक देंगे। फिलहाल यहाँ पर ना मेरे को पुलिस वालों की गाड़ी मिल गई है, जल्दी से इस गाड़ी को मैं लेकर अंदर चलता हूँ। और यार फ्रैंकलिन बाहर ही रह गया, उसको बचाने बाहर जाना पड़ेगा। और यार जो ट्रेवर की गाड़ी है वो भी मैंने बाहर ही छोड़ दी। और ये जो हेलीकॉप्टर है भाई ये भूत बना देगा, अभी ना इस हेलीकॉप्टर वाले से बचना है। लेकिन गाइस यार सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रेवर को बचाना। ओ सॉरी मैंने फ्रैंकलिन को ही टक्कर मार दी गलती से, चलो कोई नहीं, वैसे उसके हाथ पे लग गया, ज्यादा तेज नहीं लगी। तो अभी ना गाइस यार यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स हैं बट यार इस तरीके से नहीं मारा जाएगा, इनके लिए चाहिए होगी M249। अभी फटाफट से मैं इनके बहुत बुरी तरह बरसाने वाला हूँ। और गाइस यार देखो ये है वो वाली गाड़ी जिसके अंदर ट्रेवर है, तो अभी जल्दी से ना इस वाली गाड़ी के अंदर मैं बैठता हूँ और फटाफट से इस गाड़ी को लेकर मैं निकलता हूँ। और जैसा कि गाइस यार आप लोग यहाँ पर राइट में देख पा रहे हो ट्रेवर इस टाइम पर ना बेहोश हो रखा है, क्योंकि गाइस यार ये जो गाड़ी है ना इस गाड़ी के अंदर गोली तो लग नहीं सकती, पूरी की पूरी बुलेट प्रूफ है। और सामने की तरफ में एक हेलीकॉप्टर है, क्यों ना हम तीनों यहाँ पर ना हेलीकॉप्टर में बैठकर भाग जाए, क्योंकि गाइस यार इस टाइम पर जो सिक्योरिटी है जो मिलिट्री है ना यार वो बहुत ज्यादा ही आ गई है। और ऊपर की तरफ में एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है, तो ट्रेवर को सेव करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलो यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर इस वाली गाड़ी को मैंने अंदर खड़ा कर दिया। अब आती ऐसी की तैसी बहुत देर से गोलियां मार रहा है ना फुल मजे में। और यहाँ पर इसके पायलट
पायलट कहां पर है, पायलट से मिलाओ जरा, एक गोली मारूंगा पायलट के हेड पे, पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर ही नीचे आ जाएगा। तो भी ना जल्दी से गाइस हमें बस फ्रैंकलिन को यहां पर लेकर आना है, फिर हम लोग इस जगह से निकलने वाले हैं। और गाइस यार इस मिशन के लिए हमने बहुत ज्यादा प्लानिंग्स करी थी, तो ये जो मिशन है बिल्कुल भी फेल नहीं होना चाहिए। फिलहाल अभी ट्रेवर को तो मैंने एकदम सेव कर दिया, एकदम कवर में मैंने उसकी गाड़ी खड़ी कर दी है। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं आ चुका हूं सीधा बाहर की तरफ में फ्रैंकलिन को ढूंढने, क्योंकि गाइस यार लास्ट टाइम मैंने फ्रैंकलिन को जब बाइक से टक्कर मारी थी तो वो यहीं पर गिर गया था। चलो यार बहुत सही, फ्रैंकलिन भी मेरे को मिल चुका है, फ्रैंकलिन उस पे बच्चा दे गोलियां दबा के। अभी ना फिलहाल इस वाले हेलीकॉप्टर को मैंने डाउन कर दिया ना, तो इनको पता चल जाएगा कि हेलीकॉप्टर लाने कोई फायदा नहीं, और ये गया बहुत ही बुरी तरह यहीं पर आके गिर गया वाला हेलीकॉप्टर, सीधा पायलट की गोली मारी थी ना मैंने, इसलिए ऐसा हुआ। तो चलो यार अभी ना फिलहाल मेरे को लग रहा है बाहर से बहुत सारे बंदे आ गए। एक मिनट गाइस यार ये ना कुछ ज्यादा ही है, अभी फिलहाल सबके बहुत बुरी तरह पड़ने वाली है। थोड़ा सा मैं अंदर हो जाता हूँ, फ्रैंकलिन एक एक करके सबको मारना है बहुत बुरे वाला। और गाइस यार अभी जो मेरे सारे एक्सप्लोजिव्स है ना वो सारे के सारे बॉक्स में पड़े हुए हैं, ग्रेनेड्स वगैरह वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। पूरा ये तो फिर बहुत ही खतरनाक हो गए, काफी सारे लोग आ गए हैं। अब टाइम आ चुका है अपना देसी कट्टा और अपनी M249 निकालेगा। वैसे यार देसी कट्टा चलाए हुए बहुत ज्यादा देर हो गई, और अब इनके जब पड़ेंगे ना चाटे तो आने वाले 10 बंदे हमें दिखने नहीं वाले। तो चलो यार पीछे से एक और आया, तेरी ऐसी की तैसी ऐसे मारते हैं, ठीक है जहां होनी चाहिए मुंह पे। तो कि गाइस यार अभी ना फिलहाल इधर मैंने काफी सारे स्वैट सोल्जर्स तो मार दिए, और गाइस यार मुझे ना इस तरफ में एक ये टावर दिखाए, तो क्यों ना मैं इस टावर के ऊपर चढ़ जाऊं, और अगर एक बार मैं ऊपर चला गया ना तो मैं काफी सारे मिलिट्री सोल्जर जो स्वैट सोल्जर्स आ रहे हैं और जो भी हेलीकॉप्टर आ रहे हैं सबको मैं बहुत ही बुरी तरह मार सकता हूं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं इसके लेवल पर आ चुका हूं, सीधा इसके पायलट की गोलियां बजाई है लेकिन यार वो मरा नहीं, और नीचे की तरफ से गोलियां पड़ रही है। फ्रैंकलिन को ना मुझे गाइस यार यहीं से बैठ के कवर देना पड़ेगा, काफी सारे बंदे तो आ गए नीचे, ये देखो यहां से खड़े होके मार रहे हैं। तभी मैं सोचूं कि आखिरकार ये गोलियां मार कहां से रहे हैं, और हेलीकॉप्टर को भी देखना पड़ेगा कहीं पता चले मैं उधर ध्यान दे रहा हूं और इधर से मेरे को ये आके मार दे। तो चलो यार हेलीकॉप्टर के अंदर जितने भी बंदे थे सबको मार दिया है, सिर्फ और सिर्फ पायलट बचा है। तो अभी यहां पर नीचे की तरफ में काफी सारे बंदे खड़े हैं। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल मेरे को सही नहीं लग रहा ऊपर रहना है, क्योंकि गाइस यार यहाँ पर ना एक के बाद एक हेलीकॉप्टर आए जा रहे हैं और नीचे से पुलिस वालों की गाड़ियां भी आए जा रही है। तो मेरे हिसाब से ना मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, जिस गाड़ी में ट्रेवर है फटाफट से ना वो वाली गाड़ी लेकर हम लोग यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। और गाइस यार अभी ना हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट से जितनी भी सीढ़ियां मैं सारी उतरता हूँ। अबे फ्रैंकलिन चल यहाँ पर वेट मत कर, अभी अपने को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलो गाइस यार अभी जल्दी से उतरते हैं, लेकिन गाइस यार हम लोग यहाँ से तभी निकल पाएंगे जब हम यहाँ के ना पहले कुछ बंदों को मार देंगे, अदरवाइज ये लोग बीच रास्ते में हमारी गाड़ियाँ पंचर कर सकते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने काफी सारे मिलिट्री सोल्जर को मार दिया है, अभी फटाफट से मैं भागते हुए आ चुका हूँ सीधा पीछे की तरफ में जहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी। अब बस फ्रैंकलिन के आने का वेट करता हूँ, फिलहाल मैंने उसको आने के लिए बोल दिया है, मेरे हिसाब से वो बस आता ही होगा। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल हम तीनों लोग यहाँ पर गाड़ी में आकर बैठ चुके हैं, और गाइस यार यही टाइम है जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकलने का। वहाँ यार ये जो कार है ना पूरी की पूरी बुलेट प्रूफ है, और यहाँ पर आप लोग ट्रेवर को देख ही पा रहे हो भाई गाड़ी में, अभी तक इसको होश नहीं आया, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पूरी तरह बेहोश पड़ा हुआ है। और फ्रैंकलिन अभी पीछे वाली सीट में बैठ बंदों को मारने की कोशिश तो कर रहा है, बट यार उसकी जो गन है ना वो वहां से नहीं चल पा रही। और अभी मेरे को अपनी गाड़ी को ना शायद यहीं से निकालना पड़ेगा, क्योंकि सामने की तरफ तो यार बहुत गलत सीन है, और नीचे से भी एक पुलिस आ रही है, और यहां से अपनी गाड़ी को ना एकदम आराम से उतारूंगा तो ही कुछ हो पाएगा। चलो यार अभी ना बहुत सही, मैंने अपनी गाड़ी को यहां से उतार लिया है। और गाइस यार अभी ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं कहां पर जाकर छुपूंगा, सामने की तरफ में ना गाइस एक बहुत ज्यादा मस्त रास्ता है, तुम्हारी ऐसी की तैसी निकल यहां से। भाई साहब ये गया, ये बहुत ही बुरी तरह खाई में जाएगा, मेरी तो गाड़ी सीधी होगी लेकिन गाइस यार उसका कुछ नहीं होने वाला भाई, पुर्जे हो जाएंगे उस बंदे के। तो चलो यार अभी ना फिलहाल बहुत ज्यादा सही रास्ते से मैंने अपनी गाड़ी बाहर निकाल दी। और गाइस यार इनके लॉकडाउन लगाने का मुझे फायदा होने वाला है, एकदम खाली रोड पर मैं अपनी गाड़ी भगाने वाला हूँ। लेकिन नहीं यार ये लोग के लिए भी तो खाली रोड है, ये लोग एक के बाद एक गाड़ियां लाते रहेंगे, निकल यहां से। अब मैं इनको अपनी गाड़ी की पावर दिखाता हूँ, वैसे जो गाड़ी है ना ये मेरी नहीं है, ये इन्हीं लोग की गाड़ी है, जो कि यार आज ना इन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। तो चलो अब मैं इनके ऐसे ऐसे टक्कर मारूंगा ना कि ये लोग भी याद रखेंगे कि इन्होंने गलत बंदे से पंगा ले लिया। और गाइस यार अभी फिलहाल मैं पलीटो नहीं जा सकता, पिछले 3-4 बार से मैं पलीटो में छुपता था, और यहाँ पर अब इनके ना दोनों ट्रक हिला के रख दूंगा। बाकी यार ये जो गाड़ी है ना भाई बहुत ज्यादा तगड़ी है, सेम टू सेम किसी टाइप की कार बैनी ने भी मॉडिफाई करी थी, इसलिए मेरे को अच्छे से मालूम है। क्योंकि जल्दी से मैं इसे पीछे लेकर चलता हूँ और कोई बढ़िया सी जगह ढूंढता हूँ जहाँ पर मैं छुप सकता हूँ। सामने की तरफ में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो दो ट्रक है, दोनों को टक्कर मार के साइड कर दिया, बहुत सही। अभी ना यार यहाँ पर ये एक जगह है, यहाँ पर भी लेकिन मैं छुप नहीं सकता, सीधा सीधा हाईवे है। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा तेज भगाते भगाते काफ़ी ज़्यादा दूर लेकर आ चुका हूँ। और गाइस यार अभी ना फिलहाल दूर दूर तक तो मुझे कोई भी पुलिस नज़र नहीं आ रही, लेकिन गाइस यार मुझे ना अपनी गाड़ी को इस तरीके से भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि यार हर तरफ इन्होंने लॉकडाउन कर रखा है, क्या पता अभी नहीं मिल रहा आगे जाकर मिल जाए। पीछे की तरफ में ना एक आध शॉप्स हैं, तो मेरे हिसाब से ना मुझे आज के लिए यहीं पर छुप जाना चाहिए। और यार एक तो ये जगह कौन सी है मुझे वो भी नहीं समझ आ रहा, मैप्स में बाद में चेक करूँगा, अभी जल्दी
किसी ने अपनी गाड़ी को यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ, और अभी ना पुलिस वाले भी इस तरफ में ही घूम रहे हैं, तो भी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर अंदर एंटर करवाता हूँ। गाइस यार ये जो जगह है ना मेरे को थोड़ी बहुत सही लग रही है, और मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर खड़ा करूँगा ना तो कोई भी मेरे हिसाब से इधर आता जाता तो होगा नहीं। तो चलो यार अभी ना बहुत सही मैंने अपनी गाड़ी को इस तरफ में खड़ा कर दिया है, लेकिन यार यहाँ पर ना कोई अगर आएगा तो उसको मेरी गाड़ी एकदम आराम से नजर आ जाएगी, इसलिए इसको पीछे की तरफ में मैं खड़ा करता हूँ। और बेचारों की जितनी भी जालियाँ थी ना वो मैंने सारी की सारी तोड़ दी है। लेकिन गाइस यार अभी ना फिलहाल अपनी जान ज़्यादा प्यारी है, तो फ्रैंकलिन जल्दी से आ। और गाइस यार आगे की तरफ में जो शॉप है ना इसके अंदर चलते हैं। पूरा का पूरा एरिया एकदम सुनसान है, एक बंदे की भी आवाज़ नहीं आ रही, और यहाँ पर एक शॉप है तो इस शॉपकीपर को ना मुझे मारना पड़ेगा। और शायद से ना कोई गाड़ी आ रही है, मेरे को एक गाड़ी का आवाज़ आया, अभी जल्दी से ना यहाँ पर मैं अंदर चलता हूँ। तेरी ऐसे की तैसे निकल यहाँ से, दिमाग मत खराब कर। तो चलो यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको मार दिया, अभी फटाफट से ना यहाँ पर इसका जो पैसा वैसा है वो फटाफट से निकाल लेते हैं। वैसे उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी बॉडी वोडी ना अभी साइड करनी पड़ेगी। और गाइस यार आज के लिए ना हम लोग यहीं पर रुकने वाले हैं, कुछ खाने पीने की कभी भी नहीं पड़ेगी। और गाइस यार यहाँ पर कंप्यूटर भी है, आराम से लेस्टर से बात भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कल हमें क्या करना है कैसे करना है। ट्रेवर फिलहाल गाड़ी में है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है नहीं ले जाना कुछ नहीं मालूम। वैसे उसकी गोली वोली लगी, उसको बेहोश करा गया है, बट यार फ्रैंकलिन की गोलियां तो लग गई है और माइकल की भी लग गई है, लेकिन अपनी आर्मर्ड जैकेट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलो गाइस यार फाइनली हमने ट्रेवर को बचा लिया है। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं ओनली 650,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, एंड डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना मेरे से बात करने के लिए। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतने, मिलते अगले वीडियो में, गुड बाय।